हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारी आज की ट्रेन जर्नी। मैं आज फ्राइडे, आपको पता ही है फ्राइडे वाले दिन मैं कोशिश करता हूं कि हर फ्राइडे को हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दें, वीकेंड जो अपना है अमेजिंग वीकेंड उसको स्टार्ट कर दें। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेके इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की एक नई जर्नी को, इन रेलवर्क्स 3 या फिर इंडियन ट्रेन सिमुलेटर अगर बात करें। तो सबसे पहले मैसेज है अंकित श्रीवास्तव भाई का। हेलो भाई, क्या हाल चाल। दिवांश भाई कैसे हैं जी, वेलकम वेलकम। हिमेश भाई हेलो। इसके बाद देश भाई, डिड यू वॉच यस्टरडे न्यूज़ अबाउट एयर इंडिया। वाह, हिमेश भाई बोल रहे हैं हाउ इज़ द न्यू लोगो ऑफ AI। अंकित अंकित ओकिश ओकिश क्या है। प्रीतम भाई क्या हाल चाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी को। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका 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 आपका। दिमाश भाई बोल रहे हैं हमेश भाई, हाँ भाई, अबाउट न्यू लिवरी, न्यू लिवरी, न्यू लोगो, एवरीथिंग। नमस्कार राहुल भाई, प्रीतम भाई नमस्कार जी, हेलो कृतिक भाई। ओह इश, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ट्रेन की जर्नी। और जो आज की हमारी ट्रेन की जर्नी है दोस्तों, वो बोलूँगा कि खास ही है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। और मेरा सिर थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। पहले मैंने ठीक किया भी था लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रह गया। तो चलिए दोस्तों, ये है आपके सामने हमारी आज की जर्नी की डिटेल्स, आपके साथ शेयर कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो आज की दोस्तों जो हमारी ट्रेन है उसको हॉल करेगा WAP 7, जो हमारा आज का रूट होने वाला है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसकी वजह से आज का हमारा जो जर्नी होने वाली है वो खास होने वाली है, क्योंकि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। और थंबनेल दोस्तों जो मैंने लगाया ना आज की जर्नी के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट है। कारण क्या है, आप थंबनेल देखोगे अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि यार ज़बरदस्त उसमें जो सीन कैप्चर किया ना मैंने, ज़बरदस्त सीन कैप्चर किया है, वो सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ WCR रूट। और इसके बाद जो हमारा सीज़न है दोस्तों, समर सीज़न चल रहा है इंडिया में, आपको पता ही है, तो समर ही सीज़न में हम ड्राइव करने वाले हैं। और रेनी सीज़न चल रहा है, जो वेदर है वो रेनी रहेगा, तो आपको पता है सब हर तरफ बारिशें हो रही हैं, तो इस सिनेरियो में भी बारिश होगी। और टाइम जो हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं, तो हमारे सामने पूरा दिन पड़ा है। और ये जर्नी हमारी पूरी दिन में होने वाली है, सुबह हमारी 6 बजे जर्नी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद अगर मैं राइट साइड में आऊँ तो आपके सामने ये हमारी ट्रेन। चल भाई भाग वापस, ये लीजिए। तो पार्ट 1 of 3 है, इसके टोटल 3 पार्ट है। आज हम पहला पार्ट ड्राइव करने वाले हैं, प्रीमियम सिनेरियो है बाय अंकित भाई। और इस सिनेरियो के दोस्तों जितनी भी डिटेल अगर आपको जाननी है, क्या सिनेरियो कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारी की सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। 22187 हमारी ट्रेन का नंबर है, और जो ट्रेन का नाम है वो है रानी कमलापति हबीबगंज आधारतल। एक मिनट, पूरा नाम मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, हबीबगंज आधारतल इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों ये तीनों पार्ट मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं आपके सामने, देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट जो है वो 136 मिनट का है, दूसरा पार्ट 90 मिनट का, और तीसरा पार्ट जो है 100 मिनट का है। तो अगर टोटल देखें तो 326 मिनट की जर्नी है दोस्तों, 326 मिनट आप कह सकते हो, 5.5 घंटे की जर्नी है। आज की जर्नी होने वाली है वो 3 × 6 = 2 घंटे करीब आज की है, 1.5 की फिर है और 1.75 घंटे की फिर है। तो टोटल अगर आप इस सिनेरियो को बाय करते हो तो आपको लगातार 5.5-6 घंटे आपको ट्रेन सिलेंडर में स्पेंड करने को मिलेंगे, बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो वेदर हमको मिलने वाला है ना, ज़बरदस्त वेदर मिलेगा। आपने देखा ही है थंबनेल, और मैं आगे देखना चाहता हूँ पूरा थ्रू आउट द डे कैसा हमारे सीन हमको मिलता है, कैसा वेदर हमको मिलता है। आपकी चैट पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। विल बी राइट बैक इन 5 मिनट्स, हिमेश भाई बोल रहे हैं मज़ेदार मौसम। अभिजीत भाई कैसे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद प्रीतम भाई बोल रहे हैं सिम्बरबेट 13 बेटा में 787 और 747 में सिम्ब्रीफ इंटीग्रेशन हो गया, एंड आल्सो WB क्या है। प्रीतम भाई WB क्या है। कृतिक भाई बोल रहे हैं आज अहमदाबाद फ्लाइट किया था, बहुत बारिश हो रही थी एंड विजिबिलिटी ओनली 1500 मीटर, एंड आज मैं मस्त लैंडिंग की, मेरी लाइफ की शायद बेस्ट लैंडिंग। आज मैंने भी फ्लाइट की थी अहमदाबाद से मुंबई की, आपका मैंने वो देखना था, क्या नाम है, सीनरी देखनी थी, और साथ में मैंने फिनिक्स को ट्राई करना था। हाँ एक चीज़ बोलूँगा, फिनिक्स में FPS काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं पहले से। दिवांश भाई बोल रहे हैं जहाँ बरसे वहाँ मज़ा ही मज़ा, जहाँ ना बरसे वहाँ मुश्किल ही मुश्किल। बाय राउडी हेलो भाई कैसे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सरिता जी कैसे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रीतम भाई बोल रहे हैं वेट एंड बैलेंस, अच्छा CDU से पैसेंजर्स लोड कर सकते हैं नाव।
प्रीतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग। आ कब रहा है ये भी बता दो, 13 कब आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारी जो आज की जर्नी है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की उसको स्टार्ट करते हैं। सिंड्री का अपडेट आज भी अपडेट कर रहा हूँ, करते रहिए करते रहिए। ITI जी भाई क्या हाल चाल है, वेलकम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों का। तो करे भाई बोल रहे हैं सब पुराना स्क्रीनशॉट्स डिलीट करके न्यू अपडेट कर रहा हूँ। वाओ नाइस नाइस। और एक्चुअली मैंने जो अपना जो साइड स्टिक है ना उसकी सेटिंग को मैंने फ्लैट कर दिया था, लीनियर कर दिया था यार। इतनी गंदी लैंडिंग हुई है ना मेरी जब मैंने मुंबई में लैंड किया, क्योंकि लीनियर में आपको पता है थोड़ा सा हिलाओ तो पूरा वो रिस्पॉन्स देता है एयरक्राफ्ट, तो मैंने लीनियर कर दिया, बड़ी गंदी लैंडिंग हुई है, तो मुझे लग रहा है वापस सेट करनी पड़ेगी मेरे को। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग लोकपाल, वेलकम टू दिस प्रीमियम सिनेरियो पार्ट 1 of 3। यू विल बी होलिंग 2687 रानी कमलापति आधारतल इंटरसिटी एक्सप्रेस फ्रॉम दिस पॉइंट टिल जबलपुर टिल पेपरिया इन दिस पार्ट। जस्ट फॉलो ऑल गिवन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ALP गार्ड एंड स्टेशन मास्टर विल असिस्ट यू ऑल अलोंग। नोट फॉलो गिवन टाइम टेबल इन टास्क लिस्ट। डोंट ओनली रिलाई ऑन ऑडियो इंस्ट्रक्शंस। देर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स इन द गेम। इन दिस सिनेरियो यूज थ्रॉटल 40% वाइल डिपार्टिंग 6:02 फ्रॉम दिस पॉइंट। तो भैया 6:02 पर हमको डिपार्चर करना है। टाइम देखते हैं 6 बजे हैं अभी। तो इसको ये वाला स्क्रीन शॉट है दोस्तों वो, और क्या जबरदस्त स्क्रीन शॉट आया हुआ है, मज़ेदार। तो सबसे पहले हमारा जो लोको है दोस्तों उसको, एक मिनट बाहर से चलते हैं, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो रियलिस्टिक वे में चलते हैं भैया। लोको 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 ये आ गया, और इसके अंदर बैठेंगे हम जंप लगा के। आ गए हैं सीट पे। तो लेट स्टार्ट, स्विच ऑन, यहाँ पे हमारा पेंटोग्राफ ऑन हो जाएगा, और लाइट्स को भी ऑन कर लेते हैं। एक लाइट ये लगी हुई है येलो, एक ये लगी हुई है। बारिश का दोस्तों मौसम है, तो अभी मैं डोर खोलूँगा नहीं, बाद में डोर खोलेंगे। फ़िलहाल लोको स्टार्ट हो जाए, उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे। बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त। बारिश की वजह से एक काम करते हैं, हम इधर बैठे हैं ना, तो ये विंडो ऑन कर ओपन कर लेते हैं, और ये डोर ओपन कर लेते हैं। लोकोमोटिव स्टार्टेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन मॉडिफाई द कंट्रोल्स। ओके भाइयों, इसके बाद सबसे पहले मैं करूँगा वाइपर को ऑन करूँगा। तो वाइपर का बटन यहीं पे देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा रिवर्सर है, रिवर्सर को डालेंगे हम फॉरवर्ड पोजीशन में, और ये हमारी ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स को भी 100% लगे रहने देते हैं। लेकिन हमारा जो बटन है ना हेडलाइट का भी, ड्राइवर कैब लाइट स्विच, कैब लाइट ऑन, तो ये जो छोटी लाइट है इसको कर देते हैं बंद। वाह क्या जगमग हो गया। और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट स्विच लाइट, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है नहीं अभी हमको, तो यहाँ पे आएंगे हेडलाइट बीम स्विच, और हेडलाइट ऑन हो गई है। और इसके बाद ये हमारा वाइट मार्कर स्विच, और ये हमारा रेड मार्कर स्विच। तो सारी की सारी लाइट्स हमारी ऑन हो गई हैं। वेल वेरी गुड वेरी गुड नाइस। ये हमारा थ्रोटल है, 40% थ्रोटल हमको देके रखना है, और ये हमारा हॉर्न है। तो ये साइड के हमने डोर एंड जो विंडोज़ है वो बंद रखे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं बारिश आ जाएगी। यार वाइपर का कौन सा था यार, मेरे दिमाग में तो है हल्का हल्का, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा। ये तो सेंटर सुन रहा है, नीचे लगा हुआ वाइपर येलो। साफ हो गया सामने का सीन, और ये दो हो गए हैं। ब्रेक्स मैंने हटा दिए, टाइम देखा नहीं, मैं तो आराम से कंट्रोल सेट करने में लगा हुआ था कि कंट्रोल सेट हो जाए और निकलें फिर यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, थ्रोटल मैंने 43% सेट किया है, थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज थोड़ा सा लेट डिपार्चर कर रहे हैं हम कुछ सेकंड। तो 6:02 पे हमको निकलना था, सामने ग्रीन सिग्नल हो चुका है। और वेदर देखो दोस्तों, बाहर क्लाउडी है, डार्क मतलब जैसे होता ना कि काली घटा छाई हुई है उस टाइप का, लेकिन सामने सूर्य देवता भी हमको दिखाई दे रहे हैं। बाहर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्या जबरदस्त सीन है यार सुबह सुबह का। और ये दमदार हॉर्न। तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा डिपार्चर वो यहां से देखते हैं, बहुत लंबा पुल है यार। तो यहां पे खड़े होकर देखें बाहर, ये बनी जगह है हमारी ट्रेन कहां पे, वो आ रही है। थ्रोटल मैं थोड़ा सा और ज़्यादा दे रहा हूँ, बिकॉज जो हमारा, अरे ये है ट्रेन, वो पीछे वो दिखाई दे रही थी लाइट। अरे नहीं यार, ये तो मालगाड़ी दिख रही है यार,
डबल वैग नाइन के साथ मालगाड़ी निकल रही है, हमारे पैरल रन चल रहा है, लेकिन हमारी ट्रेन दोस्तों आ चुकी है यार। ये रही, ये रहा हमारा वैब 7, और ये जा रही है मालगाड़ी, और ये आ गई है हमारी गाड़ी। और ट्रैक की वजह से नीचे देखो लाइट, हेडलाइट है जो उसकी, और ट्रैक में से जब निकल के नीचे उसकी परछाई पड़ रही है, क्या जबरदस्त लग रही है। और दोस्तों उत्कृष्ट कोचेज के हमारे कैब हैं, कोचेज हैं, उत्कृष्ट कोचेज लगे हुए हैं, यहाँ पे हम खड़े होके इस मज़ेदार व्यू का आनंद उठा रहे हैं। लंबा सारा पुल है और ज़बरदस्त, वो पहुँच गया हमारा लोको, ये देखिए। चलिए आपको एक बार डोर व्यू में लेके चलता हूँ। एक्चुअली तो यहाँ से मालगाड़ी निकल चुकी है, एक्चुअली यार आपको मालगाड़ी दिखानी थी, लेकिन आगे का व्यू देखो, अगर आगे का व्यू हमको दिख जाए ना, मालगाड़ी बड़ी तेज निकली है यार, यहाँ से निकल भी चुकी है। सूर्य देवता निकल चुके हैं, सुबह के 6:04-05 हो गए होंगे, और हमारी जो स्पीड चल रही है दोस्तों 70 की स्पीड हो गई है, और इसको भगाएंगे पूरा। स्पीड लिमिट जो हमको मिली हुई है अभी, वो मिली हुई है 75 की, तो थ्रोटल को कर रहे हैं थोड़ा सा कम, 140 की हो गई है, तो 70% थ्रोटल मैंने कर दिया है, भगाते हैं ट्रेन को हमारी पूरी। लेकिन जो हमारा स्टेशन है ना अगला, वो दोस्तों आने वाला है, हमारा सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह गया, तो वापस से कैब में चलते हैं। अराइवल आपको दिखाऊंगा कैब से ही हमारे स्टेशन का। हमारा जो पहला स्टेशन आ रहा है वो आ रहा है नर्मदापुरम, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमको रुकना है, 2.25 किलोमीटर के करीब रह गया है हमारा। 6:08 और 6 सेकंड का ऑफिशियल टाइम ऑफ, नहीं 6:09 का हमारा ऑफिशियल टाइम ऑफ अराइवल है, लेकिन जो अभी हमारा टाइम चल रहा है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, वो चल रहा है 6:08 और 7 सेकंड, जो कि बिल्कुल सही। थ्रोटल दोस्तों 36, ये लो। थ्रोटल आइडल, ब्रेक्स, और ये आ गई है वो मालगाड़ी, तो मालगाड़ी को देखते हैं जल्दी से। जबरदस्त, वापिस चलते हैं दोस्तों। ओह ये निकल गए लोको, मुझे लग रहा था ये ट्रैक चेंज करेगी यहाँ पे, और एकदम से स्पीड जो है वो 30 की मांगेगी, अभी फिर दोबारा ट्रैक चेंज करेगी, क्योंकि अभी हम दूर हैं काफ़ी। जब पहला ट्रैक चेंज किया था मेरे ख्याल से 400 मीटर दूर थे, तो ये काफ़ी रेयर होता है जब 400 किलोमीटर दूर, 400 मीटर दूर से ट्रैक आपको चेंज करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों स्पीड हमारी ऑलमोस्ट हो गई है सेट, थ्रोटल मैं कर रहा हूँ आइडल, बारिश हो गई है बंद, तो वाइपर्स को बंद कर देते हैं। प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आ गई है, नर्मदापुरम प्लेटफॉर्म नंबर 2, और 550 मीटर के करीब अभी हमारा रहता है हमारा स्टॉपिंग पॉइंट। 6:07 हो गए हैं, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो स्टेशन के ऊपर, 6:07। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे दोस्तों रूट है ये, आपको पता होगा, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रूट है। और अगर इसमें FPS दिखाऊँ ना, अभी हमको मिल रहे हैं 22 के करीब, जो कि नॉट बैड, क्योंकि लाइटें ऑन है, सबसे बड़ी बात अगर लाइटें ऑन होती हैं तो कोई भी रूट हो आपके FPS के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 6:08 और 6 सेकंड पे हमारा अराइवल दिखा रहा है ये, तो थ्रोटल मेरा बिल्कुल ज़ीरो है, आराम से इसको चलने देते हैं, अभी 260 मीटर दूर है स्टॉपिंग पॉइंट, और डोर खोल देते हैं क्योंकि हमारा दोस्तों जो बारिश है वो हो चुकी है बंद, डोर हमने दिया है खोल। 190 मीटर, पानी भी लेता हूँ यार। दोस्तों यार आग लगी हुई है नॉर्थ इंडिया में, इतनी गर्मी है ना भाई साहब, बता नहीं सकता आपको। लीजिए भाइयों स्टॉप, और 6:08 12 सेकंड पे हमारा हो गया अराइवल, और अभी हो रही है बोर्डिंग स्टार्ट। तो अगला जो दोस्तों लेग है उसके बारे में देख लेते हैं कहाँ पे है। ओ हमने यहाँ पे रोकी गाड़ी, 6:12 पे चलना है, 6:25 पे हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है, कितना दूर है यहाँ से, ये रहा 16.68 किलोमीटर है
स्टॉप फॉर COSL, ये क्या होता है? डिपार्ट 6:12 पे करना है हमको, ये क्या होता है भैया COSL? अभी हमारा 3 मिनट 3 मिनट बाकी है। ओके, इसके बाद दोस्तों हमको इटारसी रुकना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे 6:35 पे, 37 पे डिपार्चर है हमारा, फिर वहाँ पे हमको ड्रॉप ऑफ करने हैं सारे के सारे कोचेज, उसके बाद शंट पॉइंट 1 पे जाना है, शंट पॉइंट 4 पे जाना है, इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आना है वापस, और यहाँ पे हमको फिर कपल करने हैं ये वाले कोचेज, और इसके बाद गुरप्पा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमको पहुँचना है 7:01 पे, 7:06 से हमारा डिपार्चर, इसके बाद गोरमखेड़ी मेन लाइन पे हमको रुकना है 7:28 पे 40 पे, अरे 12 मिनट का होल्ड है यहाँ पे, इसके बाद सुहागपुर हमको पहुँचना है 7:53 7 मिनट का होल्ड, 8:00 हमको डिपार्चर करना है, और उसके बाद पिपरिया हमको पहुँचना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जो कि यहाँ से है 87.72 किलोमीटर, तो दोस्तों 87.88 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये गाड़ी आ रही है कोई कौन सी है इसको देख लेते हैं, 12626 न्यू दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस जा रही है भैया यहाँ से, तो इसको हमको पास देना था इसलिए हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है, 6:12 पे डिपार्चर, 2:15 बाकी है हमारे, वाह। तो अभी एक काम करते हैं, हम चलते हैं दोस्तों हमारे डोर व्यू में, डोर व्यू से आपको दिखाऊंगा डिपार्चर टू द एलपी, दिस इज द गार्ड ऑफ योर ट्रेन। हाँ जी, आज मौसम इतना मस्त है ना कि सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या करें, ड्यूटी है, आना पड़ता है, ओवर। तो दोस्तों ये हमारा नर्मदापुरम, तो मेरे ख्याल से ये वाला व्यू सही रहेगा डिपार्चर के लिए, यहाँ पे बिल्कुल आई थिंक सेंटर होगा, सेंटर का व्यू होगा। ये उल्टा क्यों दिखा रखा है भैया इसने, 6:12 पे डिपार्चर, अभी हमारे पास 1.5 मिनट बाकी है, तो आपको डोर व्यू से डिपार्चर दिखाऊंगा, और फिलहाल मैं 9 नंबर दबा के चेक कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी अभी खड़ी कहाँ पे है, और उसके आगे भी भैया ये हमारी अनाउंसमेंट हो रही है, ट्रैक तो दोस्तों क्लियर है, लेकिन आगे गाड़ी जा रही है 12626 जिसने अभी हमको ओवरटेक किया है, ओवरटेक नहीं क्रॉस किया है, तो उसके निकलने के बाद 6:12 पे हमको डिपार्चर करना है। एक मिनट बाकी, अभी आपकी चैट पढ़ लेता हूँ। कृतिक भाई बोल रहे हैं सब पुराना स्क्रीनशॉट अच्छा ही हो गया, आईटीआई जी भाई बोल रहे हैं वाज वेटिंग फॉर वीकेंड, राहुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आईटीआई जी भाई, टू द एलपी दिस गॉड स्पीकिंग, यू आर क्लियर टू डिपार्ट बट डिपार्ट ऑन टाइम, ओवर। ओके जी, शुक्रान शुक्रान शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो अभी दोस्तों 30 सेकंड बाकी हैं, और प्रीतम भाई बोल रहे तेरा बेटा में है अभी, अच्छा बेटा में, आईटीआई जी भाई, सेंडर हॉर्न अभिजीत भाई, हाँ जी हाँ जी सेंडर हॉर्न, श्रीदाई बोल रहे हैं मुझे एक डाउट है, अगर मैं फास्ट लाइन गेम्स की वेब से कोई भी स्टॉक रूट डाउनलोड करता हूँ तो क्या उनकी ऐप उससे ऑटो इंस्टॉल कर देगी? नहीं नहीं, ऑटो इंस्टॉल नहीं करेगी, आपको खुद जाके ऐप में, पहले तो पहली बात तो अगर आप बाय करोगे ना तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आप अकाउंट बना के इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ऐप अपने कंप्यूटर पर डालनी पड़ेगी, और ऐप कंप्यूटर डालने के बाद आप ऐप को जैसे ही खोलोगे तो आपको उसमें भी लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिनेरियो, उसको सिनेरियो को, या कोई भी स्टॉक है या कुछ भी आप बोल रहे हो, सामने बसें जा रही हैं भैया बाहर। तो भैया 6:12 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है, तो 30 की हमारी स्पीड लिमिट मिली हुई है, तो 40% मैंने टोटल दिया हुआ है। अभी एक बार दूसरी साइड देखें यहाँ क्या माहौल है, क्या चल रहा है, काली घटा दोस्तों छाई हुई है आसमान में, देखो कितना बढ़िया लग रहा है व्यू, जबरदस्त। सामने गाड़ी आ रही है क्या कोई? हाँ ये आ गई है भैया, 12643 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ब्यूटीफुल, चलिए जी, हाई स्पीड ट्रेन्स का पास हमको मिलता जा रहा है, ऑलरेडी हमने 3 ट्रेनों को देख लिया इसमें सिनेरियो में, और बढ़िया हमारी अभी तक जर्नी चल रही है भैया, सामने पुल भी आ गया, और ट्रैक पे जब हमारी ट्रेन फुल ट्रैक पे आ जाएगी तो उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे, 30 की स्पीड लिमिट अभी चल रही है तो 30 मेंटेन कर रहे हैं, 11% थ्रोटल है जो कि मेंटेन कर रहा है 30 की स्पीड को। दिस इज योर गार्ड, अब आपको क्लियरेंस मिल गई है मेन लाइन स्पीड की, अब आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं, एंड अदर
स्पीड लिमिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओवर। शुक्रिया। तो 70% दोस्तों थ्रोटल कर देते हैं, 71%। और यार बाहर की सीनरी तो देखो क्या मस्त दिख रही है, कर्व। ट्रैक साउंड सुनो, तो चेयर कार भी है दोस्तों हमारे पास, तो चेयर कार से भी आपको जर्नी दिखाऊंगा मैं। ये आ गया एक पुल जिसमें हाईवे बना हुआ है, कोई नीचे पानी भी है हाईवे के नीचे। अरे वापस भी निकल रही है वहां से। स्पीड हमारी हो गई बढ़िया और एफपीएस भी बढ़ के 30+ हो गया अभी, बहुत जी बढ़िया। और यह दोस्तों हमारा क्रिस्ट कोचिस का इंटीरियर व्यू, बढ़िया। और कई भाई लोग मुझे पूछते हैं कि यार डोर व्यू हमको मिलता नहीं है, कैसे डोर व्यू लेके आए। तो दोस्तों अगर डोर व्यू आपको मिल नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। डोर व्यू प्रीमियम कोचेस के साथ आता है, तो अगर आपको डोर व्यू चाहिए तो प्रीमियम कोच को आप बाय करो, उसमें आपको डोर व्यू अपने आप मिल जाएगा, 5 नंबर की दुकाने से आ जाएगा। 90 की स्पीड दोस्तों हमारी हो चुकी है, 110 की लिमिट हमको मिली हुई है, तो 110 मेंटेन करेंगे। इसके बाद आपकी चैट, इसके बाद जो मैसेज है अंकित भाई का, हेलो सर जी, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, मैं बढ़िया जी, आप बताइए, आप कैसे देवांश भाई, लोको एनर्जाइज्ड। हाँ इंडिया में ही होना ब्रो, सरिता जी बोल रहे हैं। हाँ जी इंडिया में ही हूँ, लेकिन थोड़े दिनों में मैं वापस जाने वाला हूँ। वाह क्या बारिश का इफेक्ट है, कृतिक भाई बोल रहे हैं। आईटीआई जी भाई बोल रहे हैं, हेलो ब्रो, अंकित भाई को बोल रहे हैं। कृतिक भाई बोल रहे हैं फ्लाई बाय वायर भी रेन वाइपर करता है, तो अब मज़ा आता है। अच्छा रेन वाइप करता है, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ओहो क्या स्पीड चल रही है यार हमारी, लेकिन ये ट्रेन गई कौन सी है, अभी तो नाम भी नहीं दिखाई देगा। ओ दूर निकल गई है, अभी नाम नहीं दिखाई देगा, लेकिन जबरदस्त स्पीड हमारी चल रही है अभी दोस्तों। 13.5 किलोमीटर के करीब हमारा डिस्टेंस रहता है, तो एक बार बाहर से आपको दिखा दूँ, वापस हम डोर व्यू में आएंगे, डोर व्यू से हमको अराइवल देखना है। आहा हा क्या सुबह सुबह का मस्त सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है क्लाउड्स के साथ। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर लगी हुई है, सूरज क्लाउड सब मूव कर रहे हैं। अभी आप देखो सूरज बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था, अभी क्लाउड्स के पीछे चला गया। तो अभी आपको तीनों हॉर्न एक साथ बजा के दिखा देता हूँ। भाई लोग बोलते हैं कि यार तीनों हॉर्न एक साथ सुनिए, तो चलिए पहला, दूसरा और एक तीसरा। वाह क्या स्पीड है। तो दोस्तों इसी के साथ एक काम करते हैं यार, एक हाई स्पीड पास दिखा देता हूँ आपको, बढ़िया वाला। सामने से एक ट्रेन भी आ रही है मेरे ख्याल से। चलिए चलते हैं हवाई यात्रा पे। और एक मिनट यार, यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ आपको ये व्यू। ये नाम देखे ट्रेन का, पहले भी आपको दिखाया नहीं। 12807 विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन समंता एक्सप्रेस। क्या लंबी ट्रेन है यार, हमारी तो कब की निकल चुकी है। वाह तो वापस चलते हैं हमारी ट्रेन की तरफ हवाई यात्रा पे, और आपको दिखाता हूँ एक, अगर स्टेशन आ गया ना तो स्टेशन से दिखाऊंगा आपको। स्टेशन तो लग नहीं रहा मेरे को कि आसपास होगा अभी, तो भैया नहीं है स्टेशन आसपास। तो एक काम करते हैं स्पीड पास यहीं से देख लेते हैं ट्रैक साइड से। या देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है यार, वो आ रही है हमारी ट्रेन। और इसके साथ ही आपकी चैट को पढ़ लूँ थोड़ा सा। आईटीएच भाई हेलो, व्हाट्सअप अंकित भाई बोल रहे हैं, फ्लाई बाय वायर भी अब वाइप करता है, मैंने देखा नहीं, देखूंगा मैं दोबारा। अभिजीत भाई ALP साइड वाइपर स्विच, अच्छा जी शुक्रिया। कृति भाई बोल रहे हैं वाह क्या नज़ारा है। आईटीआई जी भाई बोल रहे हैं यही है क्या 5 आवर्स वाला सिनेरियो। कृति भाई क्या 5 आवर्स, जी हाँ। इसके बाद नमित भाई क्या हाल चाल, हेलो राहुल भाई नमस्कार, फिनिक्स रिप्रेजेंटेटिव का टेस्ट फ्लाइट किया आज, टाइम मिले रियली गुड इम्प्रूवमेंट्स। हाँ भाई वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, अहमदाबाद से मुंबई की फ़्लाइट की है, तो FPS ज़बरदस्त उसमें बूस्ट हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ FPS से। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि बाकी तो यार इतना ज़्यादा पता लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो जॉयस्टिक की सेटिंग्स थी ना वो भी हिला दी थी,
तो अभी दोबारा से वापस जो पुरानी सेटिंग है उसके साथ फ्लाई करके देखूंगा, लेकिन जो मैंने लीनियर कर दी थी सारी की सारी, जो जॉयस्टिक की सेटिंग है ना, रडर एलिवेटर सब कुछ, तो वो बेकार हो गया काम। तो मैं दोबारा से जो अपनी सेटिंग्स है उनको दोबारा करूंगा सेट, और उसके बाद मैं फ्लाई करूंगा दोबारा से, तो देखते हैं क्या रहता है। और दोस्तों एक चीज़ हो रहा है यार, कल मैं लाइव स्ट्रीम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है, तो शायद मैं कल रात को वापस आऊंगा या फिर परसों सुबह आऊंगा, तो कल की लाइव स्ट्रीम हो नहीं पाएगी। लेकिन परसों मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको ज़्यादा नहीं तो दो लाइव स्ट्रीम दे पाऊँ, एक तो होगी होगी, एक से दो करने की जरूर मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस रह गया दोस्तों 7.5 किलोमीटर के करीब। पानी भी लेता हूँ यार, बहुत गर्मी है यहाँ पे। एक गिलास आपके सामने बैठा बैठा देखो पी गया मैं। अरे स्पीड बड़ी कम हो गई हमारी, इसका जो ऑफिशियल टाइम है 6:25 का है और अभी जो हमारा टाइम आ रहा है 6:23:52 का रहा है। सर्विस वाना है भैया, ये कोई खास ट्रेन नहीं है, ये पार्सल ट्रेन है। नहीं ये भी खास ट्रेन है, कहने का मतलब पैसेंजर ट्रेन नहीं है भैया, इसमें इतने पार्सल आते हैं, इतने कीमती कीमती आपका सामान होता है, तो ये ट्रेन तो ज़बरदस्त होगी होगी, नो डाउट इन दैट। हमारा डिस्टेंस रह गया 6.5 किलोमीटर। अभी आपकी चैट पढ़ लेता हूँ थोड़ी सी, इसके बाद ITIG भाई बोल रहे कृतिक वर्मा भाई टोटल स्नैरियो दुरंतो सॉरी ड्यूरेशन 5 आवर्स ITIG भाई इन पार्ट्स। ओह कृतिक भाई बोल रहे हैं, अरे यार ये ना चैट एकदम से सारी निकल जाती है। पता है क्या, चैट जब पीछे रह जाती है ना, जब मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो जैसे कोई नई चैट आती है वो सारी की सारी स्क्रॉल ऊपर हो जाता है, फिर मुझे वापस जाना पड़ता है वापस देखने के लिए। ट्रैक साउंड कितनी जबरदस्त आ रही है, सामने ट्रेन भी आ रही है एक। 5 फ्रेट लग रही है ऐसा करके कुछ, 5 फ्रेट 1। इसके बाद वापस यार चैट पे जा रहा हूँ, कहाँ है कृतिक वर्मा टोटल सिनेरियो ड्यूरेशन ये हो गई है। ओ ITIG भाई बोल रहे हैं अराउंड, बीच में भी लोकल लगा हुआ है, देखो पीछे भी लोकल लगा हुआ होगा, अराउंड 31 डिग्रीज है क्या यहाँ पे, 33 के करीब मेरे को लग रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ना सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्रीतम भाई बोल रहे हैं क्लाइक कर दो भाई, ITIG भाई बोल रहे हैं 12 मिनट स्टॉप मतलब शायद ओवरटेक होगा। हाँ जी कृतिक भाई बोल रहे हैं 12 मिनट स्टॉप गुड रियलिस्टिक स्टॉप टाइम है। अंकित भाई बोल रहे हैं नहीं स्टेशन पे आपके ऑफिशियल हॉल्ट भी है। अच्छा ITIG भाई बोल रहे हैं अंकित भाई ब्रो छोटे स्टेशन में 12 मिनट हॉल्ट। दिनेश भाई हेलो अगेन पोस्टेड 40 एट डिस्को, आह वाह नाइस। अंकित भाई बोल रहे हैं ITIG भाई यस ब्रो वहाँ पे पक्का कुछ सीन होगा। अच्छा जी दिनेश भाई हिटिंग पास्ता हु वांट्स, भैया पूछने की बात है, सब सब खाएंगे। हाँ लग रहा है मुझे, ITIG भाई बोल रहे हैं, प्रीतम भाई बोल रहे हैं 4 मिनट होता है ना छोटे स्टेशन में स्टॉप। ITIG भाई बोल रहे हैं प्रीतम भाई 1-2 मिनट मैक्स। ITIG भाई बोल रहे हैं सम टाइम्स ओनली 1 मिनट, हाँ सॉरी 2 मिनट्स। प्रीतम भाई बोल रहे हैं 5 मिनट बड़े स्टेशन पे। हिमेश भाई बोल रहे हैं I2 हैव द सेम वेदर इन माई एरिया, तो भैया मैंने ऑफ कर दिया, ये सामने ट्रेन गई है वापस से और ब्रेकिंग शुरू कर दिया मैंने 36% के, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है भैया। चलिए सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी साइड का क्या सीन है वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओहो सूर्योदय देखो, बादलों में से बाहर आ चुके हैं सूर्य, सूर्य देवता आ चुके हैं। वन येलो सिग्नल आ गया तो स्पीड में रिड्यूस कर रहा हूँ 450 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ट्रैक साउंड आया, धड़क धक धड़क धक धड़क धक। चलिए जी हमारी स्पीड हो गई है 50 किलोमीटर्स की, तो फिलहाल थ्रोटल को मैं कर रहा हूँ आइडल और ब्रेक्स को कर रहा हूँ आइडल। वापिस चलते हैं दूसरे सीन में, यहाँ पे देखते हैं सामने। ओह कर्व, कृतिक भाई की कर्व, शहर के बाहर स्लो स्पीड जब हो जाती है ट्रेन की उसके बाद ऐसी हॉर्न देती है ना।
तो अराइवल दोस्तों यहीं से देखते हैं, काफ़ी अच्छा सीन मेरे को दिखाई लग रहा है। मार्केट भी आ चुकी है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी मार्केट खुली नहीं है लेकिन कुछ लोग खोल के बैठे हैं अभी। वाह क्या डेडिकेशन है काम करने की यार। ये क्या है? इतनी जल्दी हमको दे दिया गया है। ओह कोई स्टॉप था क्या पीछे? आई थिंक आई मिस्ड। अरे हाँ यार एक स्टॉप मिस कर दिया मैंने। 6:30 पे निकलना था वहां पे, मुझे लग रहा है गड़बड़ ना हो जाए यार यहाँ पे। यार एक तो चैट पढ़ते पढ़ते ना यार गड़बड़ हो जाती है। हम पहले पहुंच गए यहाँ पे और मुझे लग रहा है कोई दिक्कत ना हो जाए। तो यार क्या करूँ मैं, चैट को कैसे मैनेज करें यार? मुझे लग रहा है चैट करनी पड़ेगी किसी के साथ बैठ के, वापस लेके जाएं। लेकिन वहाँ पे क्रॉस लगी चुका है यार, वापस ले जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो आगे चलते हैं एक बार। लेकिन यहाँ पे सुख शांत से हो जाए सारा काम। यार वो स्टॉप निकल गया पीछे, स्टॉप कहाँ पे था मैंने देखा नहीं, और स्पीड को दबा के चला रहा हूँ कि सामने स्टेशन आ रहा है। लेकिन 5 मिनट, अच्छा आई टू हैव द सेम वेदर इन माई एरिया। तो यहाँ पे आराम से दोस्तों एक बार पहुँचाने की कोशिश करते हैं, देखी जाएगी क्या होता है, दोबारा शुरू कर लेंगे नहीं तो सिनेरियो। गड़बड़ हो गई यार ये, मेरी तो नौकरी खा जाएंगे स्टेशन मास्टर। आहा क्या आवाज़ है, कृतिक भाई बोल रहे हैं, आईटीआई जी भाई बोल रहे हैं। यार वहाँ पे 16 किलोमीटर दिखा रहा है, 11 किलोमीटर, इतनी जल्दी कवर भी हो गया। जब मैंने वापस देखा तो तब दिखा रहा था कि 6, 6.5 किलोमीटर। गलती कहाँ पे हुई है? मैं टी बोर्ड बनाने का सोच रहा हूँ। वो क्या होता है? धुम धू गुड भगाओ आईटीआई जी। ये देखो भगाने का नतीजा क्या हो गया, हम भगा रहे थे, 120 की स्पीड भी हो गई और गाड़ी टारसी भी पहुंच गई पहले रुकने की बजाय। तो चलो ये अराइवल देख लेते हैं जैसे भी। आई होप के यार हम जब पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत ना आए, स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही पहुँचेंगे ना। अगर किसी और ट्रैक पे चले गए ना फिर हो जाएगी गड़बड़, यहाँ से पता चलेगा एक्चुअली। सेंटर द प्लेयर, यार गाड़ी कहाँ गई हमारी, हमको आउटर पे रुकना था। हाँ वैसे तो हमारा प्लेटफॉर्म पे ही है लेकिन गलत तरीके से आए हैं यार, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी। स्टेशन मास्टर जी प्लीज़ नौकरी को मेरे बचा के रखना, आगे से मैं ध्यान रखूँगा सच में। तो ये वाला सेट करते हैं दोस्तों व्यू। यार गड़बड़ हो गई यार, मुझे बहुत दुख हो रहा अभी। इसके बाद ये फीचर ओनली इस रूट में मिलेगा शायद। प्रीतम भाई बोल रहे हैं सेंडर क्या हॉर्न है, समंता एक्सप्रेस। इसके बाद प्रीतम भाई बोल रहे हैं सेंडर तो वो ट्रैक्शन वगैरह के लिए है ना, पता है? हाँ ट्रैक्शन के लिए होता है, अगर स्लिपरी होती है तो वहाँ पे आप ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो। सैंड डालता है ट्रैक के ऊपर ताकि जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए टायर और ट्रैक के बीच में। अल्ट्रा इवोल्व भाई हेलो क्या हाल चाल है जी। कृतिक भाई बोल रहे हैं यस कार। प्रीतम भाई सेंडर से मिलती मिट्टी निकलती है फॉर ट्रैक्शन। इसके बाद बट शायद उसमें हॉर्न मोड भी लगाया होगा ताकि गार्ड को पता लगे सेंडर यूज़ कर रहे हैं ऐसा कुछ। अरे यार इतने चैट, वाह कर यार चैट बहुत आ रही है और मेरी चैट निकल चुकी है काफ़ी पीछे। कृतिक भाई बोल रहे हैं बट शायद उस पर हॉर्न मोड भी, अच्छा ये हो गया। क्या राहुल भाई वीकेंड पे रोज़ काम आ जाता है आपको? एक्चुअली पता क्या, वीकेंड पे नहीं आ रहा, आपको पता है मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे हो गए, 2 हफ्ते हो गए। मंगल बुधवार की मेरी पक्का छुट्टी हो रही है, पिछले मंगल बुध को भी छुट्टी थी, मतलब इस वीक के और पिछले वाले में भी थी, तो दोनों में छुट्टी मेरी हो रही है पक्का, मंगल बुध। और इस बार मैं जो अगला वीक आ रहा है ना तो मंगलवार और वीरवार को बाहर जा रहा हूँ, तो सिर्फ वीकेंड नहीं है, मैं वीकडेज में भी बाहर जा रहा हूँ। आपने देखा था ना कि खाटू श्याम जी जाके आए, तो वो मंगल बुधवार ही था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सारे का सारा जो मेरा है ना अभी वीकेंड मेरे को कम पड़ रहा है काम निपटाने के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ रही है ऑफिस से, तो ये चक्कर है। इसके बाद आईटीआई जी भाई फिर वो कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं। भैया उदास मत हो यार, आपका ऐसे उदास हो गए तो मेरा हौसला डाउन हो जाएगा। अभी हमको साउथ अफ्रीका जाके तो उसके बाद भगवान की कृपा से लाइव स्ट्रीम करेंगे करेंगे, और वीकेंड की जो लाइव स्ट्रीम है होपफुली वहाँ पर जाके इफेक्ट नहीं होगी।
1 घंटे का ATS मल्टीप्लेयर भी नहीं हो सकता कल? नहीं, कल तो मैं सुबह जा रहा हूँ 6 बजे, और रात को शायद 10-11 बजे वापस आऊँगा। मेश भाई वो भी सैड हो रहा है। प्रीतम भाई बोले कोई ना राहुल भाई, साउथ अफ्रीका गए तो फिर स्टीम ही स्टीम, वहाँ पे लाइट बहुत जा रही है। प्रीतम भाई आपको पता ना, 4-4 घंटे कट लग रहे हैं दिन में, दो दो तीन तीन, तो उसकी वजह से वहाँ पे देखो जो हमको टाइम स्पेंड मिलेगा जितना भी, उसके हिसाब से लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो अभी वहाँ से हमको निकलना था 30 की स्पीड पे, लेकिन अभी हम 30 क्या 6 की स्पीड पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके बाद स्पीड बढ़ गई है ज़्यादा, देखो अभी बता रहे हैं ग्रेट व्यू ओवर स्पीड। सियान भाई नमस्ते, राहुल भाई नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये देखो वाह कर्व, वो देखो कृतिक भाई कर्व को एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कर्व को एंजॉय कर रहा हूँ। और उधर से जो स्टेशन मास्टर है वो बोल रहे हैं कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक्सीडेंट, कृतिक भाई बोल रहे हैं। हिमेश भाई अच्छा, अभी तक कृतिक भाई को समझ आ गया कि वी आर इन डेंजर। दिवांश भाई बताइए, गार्ड भी नहीं बताया बताया यार, इसमें ऐसा होना चाहिए अगर आप कोई ओवर जंप कर, सॉरी जंप कर रहे हो ना कोई सिग्नल को या कुछ भी, तो गार्ड को बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा फीचर हो जाए तो बढ़िया है। इसके बाद हिमेश भाई बोल रहे हैं एनी वन रिवाइविंग सर्विस अनअवेलेबल, ये क्या होता है? दिवांश भाई सुपर एक्सप्रेस नहीं रुकती रुकी। अंकित भाई बोल रहे हैं हाँ, 140 की स्पीड से जा रही थी ट्रेन इसलिए जल्दी आ गए। ओ अच्छा, टी बोर्ड यही एडवांस बोर्ड इन शेप्ड ऑफ टी। नीलेश भाई क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया जी, आप बताइए आप कैसे हो? यार ये चैट फिर जंप कर जाती है। हिमेश भाई बोल रहे हैं शेप ऑफ टी, अच्छा, ठीक है समझ गया जी। अभी 150 मीटर बाकी है, आराम से चल रहे हैं, तो अभी तो आराम से चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। 35 पे हमारा डिपार्चर है यहाँ से। इसके बाद है क्या हिमेश भाई, डिपार्टमेंट अब यात्री ड्राइवर को मारेंगे, दिवांश भाई बोल रहे हैं। हिमेश भाई बोल रहे हैं दिवांश भाई यात्री क्या पुराना रेलवेज, क्या हिमेश भाई डिपार्टमेंट, जस्ट केडिंग हिमेश भाई बोल रहे हैं। इसके बाद कृतिक भाई का मैसेज, टी बोर्ड मतलब ट्रेन पे जो बोर्ड लगा रहता है नेम नंबर प्लेट, अच्छा ड्राइवर की सेवा क्या है, संपन्न नहीं पता नहीं क्या है, दिमाश भाई बोल रहे हैं। हिमेश भाई बोल रहे हैं अच्छा, आई थॉट दैट एडवांस वाला वृंदावन गए थे ना, नहीं कौन मैं, ये आगे आ रहा है स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, बिल्कुल जी लो वहाँ भी स्ट्रीम नहीं किया। इसके बाद आपने बैकअप लिया था वो किधर था, अफ्रीका या इधर इंडिया में, किस चीज़ का बैकअप? स्ट्रीम वाला जो टाइम था वो तो भैया 60 मीटर रह गया, आराम से गाड़ी पहुंच रही है, पीछे हो गई थी गड़बड़, तो चलिए इटारसी पहुंच गए। इटारसी में हमारा जो अराइवल हो रहा है 6:32 के करीब हो रहा है मेरे ख्याल से, और जो अराइवल जो हो रहा है वो 6:32 के आसपास होगा, और जो डिपार्चर 6:35, 3 मिनट हमारे पास हैं। तो यहाँ पे शॉप भी हैं दोस्तों, अगर किसी ने कुछ लेना है, आपको दूसरी साइड का व्यू भी दिखा दूँ प्लेटफॉर्म का। 20 मीटर, 10 मीटर, चलिए स्टॉप। ओह यहाँ पे तो क्रॉस लग गया है एक, चलिए यहाँ पे इटारसी आ गया, और यहाँ पे हमको ट्रेन को डीकपल करना है, हमारे जो कोचिज है ना उनको डीकपल करना है। 6:37 पे डिपार्चर करना है यार, यहाँ पे मैं आके कंफ्यूज हो जाता हूँ, 6:37 पे डिपार्चर है तो ये अनकपल करके डिपार्चर होगा ना, हाँ अभी हमको अनकपल करना है शायद, तो चलते हैं दोस्तों हमारे नाउ अनकपल द कोचिज, हाँ अब सही है, तो चलिए चलते हैं हमारे कोच लोगों की तरफ। लाइट बंद हो गई, सुबह हो गई है भैया, 6:32 पे लाइटें बंद ऑफ हो जाती हैं प्लेटफॉर्म की। भैया हमारी ट्रेन का नाम हो रहा है, चलिए चलते हैं लोको में और डिपार्चर करेंगे 6:37 पे, 6:37 ही है ना, 6:37 पे, और अराइवल कर रहे हैं 6:38 पे। तो अभी शट पॉइंट के ऊपर अंकित भाई अभी चलें या फिर 37 पे निकलें? तो डोर खुला हुआ है, लोको में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोच तो है नहीं है।
अभी आपकी चैट दोबारा पढ़ लेता हूँ। समाप्त। इंडिया में कृतिक भाई आपने बैकअप लिया था वो किधर था, अफ्रीका या इधर इंडिया? साउथ अफ्रीका में पावर कट बहुत होता है इंडिया से ज़्यादा। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में 2015 में ना जो वहाँ की जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने सारे गोरों को निकाल दिया। एलपी दिस इज द गार्ड ऑफ योर ट्रेन। अब आप सारे कोचेस को अनकपल कीजिए एंड देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिपार्ट कीजिए। ओवर। तो वहाँ पे उन्होंने ना सारे गोरों को निकाल दिया और जब से गोरे निकले हैं 2015 से, पहले वहाँ पे कट लगते नहीं थे लेकिन 2015 से कट ऐसे लगने शुरू हुए, उनसे मैनेज नहीं हो रहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो वो जो हालत है ना, हालत बद से बदतर होती जा रही है हर साल। इसके बाद दिवांश भाई एक्सप्रेस से सीधा दुरंतो बन गई। अच्छा, इसके बाद प्रीतम भाई बोले बट डिफरेंट इज वो टाइमली कट देते हैं इंडिया में जब मर्जी तब होता है। हाँ, ये फ़र्क जरूर है, टाइम टेबल है वहाँ पे। खाटू श्याम मथुरा में होगा ना? नहीं, खाटू श्याम राजस्थान में खाटू जगह है, वहाँ पे है। कृतिक भाई बोल रहे हैं इन्वर्टर बैकअप इंडिया में या साउथ अफ्रीका में? इन्वर्टर बैकअप इंडिया में है। दिवांश भाई समाप्त। दिवांश भाई बोल रहे ड्राइवर ठीक है, ठीक है नहीं, पिछली बार ट्रक चला रहा था तो कार उड़ा दिया था। इसके बाद अंकित भाई टाइम टेबल ही फॉलो करना, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों 37 से 37 पे निकलना है, लेकिन हमारा जो देख लेते हैं कितना दूर है वो पॉइंट, सिर्फ 220 किलोमीटर दूर है, 2.20। तो 37 पे निकलना है और 38 पे पहुँचना है। कृतिक भाई हंस रहे हैं, ड्राइवर ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो मेरे ख्याल से टाइम ले ही चलेंगे, 37 पे निकलना है हमको और अभी हो रहे हैं 35:10। आडेज भाई बोल रहे हैं दिवांश भाई मैंने सबको उड़ा दिया ATS में लैम्बोर्गिनी के साथ। अरे बाप रे, खतरनाक ड्राइवर है सारे के सारे, नो टेंशन। और भाइयों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, शुक्रिया धन्यवाद। और बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है, ये देखो क्या व्यू है, सूर्य देवता ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं अभी। इटारसी जंक्शन, ओके। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी डिपार्चर तो कैब से रहने वाला है, कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं है। वाइपर मैंने चला दिया दोबारा। यार एक मिनट में पहुंच जाएगा हमारा लोको, पहुंच ही जाएगा वैसे तो मुझे लग रहा है। HR गेम वर्ल्ड, हाँ जी सर, कैसे क्या हाल चाल? सुरेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हैवी ड्राइवर भाई दिवांश भाई बोल रहे हैं, लॉल नॉट लैम्बोर्गिनी बुगाटी। सुरेंद्र भाई क्या हाल चाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लैम्बोर्गिनी मोड में दिया हूँ डिस्कॉर्ड पर। अंकित भाई बोल रहे हैं बाहर में एक ट्रेन भी अराइवल कर रही है, तो बाहर से वो ट्रेन का अराइवल भी देख लेते हैं कहाँ पर कर रही है। ये तो नहीं है जिसने अराइवल किया वैप 7 के साथ। तो भैया 37 होने वाले हैं, वापस चलते हैं लोगों में और हॉर्न देखे निकलते हैं यहाँ से। बाहर से दिखाऊं आपको, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखते हैं। पेंटोग्राफ के बिल्कुल ऊपर से 25,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, बच गए। सिग्नल हमारा रेडी है, वो बात हो रहा है। चलिए भाइयों हमारा लोगो निकल चुका है, वो देखो स्पार्क कैसे मार रहा है ऊपर। चलिए भाइयों लोगो में चलते हैं और यहां से देखते हैं क्या एक्शन चल रहा है अभी। चैट में भी नहीं पढ़ूंगा यार, पहले मैंने गलती कर दी। लोको जो स्टेशन मास्टर है वो मेरे से खफा हुए बैठे हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे अभी अपनी जो ड्यूटी है पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरी करनी है। नो ओवर स्पीडिंग नथिंग।
चलिए जी, कट लगेगा कि क्या लगेगा? 6:37 पे पहुंचे, 6:38 का टाइम था। इसके बाद ITIG भाई बोल रहे हैं लैम्बोर्गिनी मोड में दिया हूँ डिस्कॉर्ड पर। अंकित भाई बोल रहे हैं बाहर में एक ट्रेन भी अराइवल कर रही है। कृतिक भाई बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो लोको, हमें छोड़ के डेस्टिनेशन तो पीछे है। तो भैया चलिए चलते हैं पीछे। नाउ रिवर्स बैक टू नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे काम करते हैं, रिवर्स मैंने डाल दिया इसका, और जो हमारी हेडलाइट है ना उसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस, दूसरी साइड आ गए और यहाँ से हमारी जो हेडलाइट है ऑन हो जाएगी, मार्कर एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से ऐसी सही रहेगा ना। चलिए भाइयों, लेट्स सी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1.05 किलोमीटर और वहाँ पे हमको पहुँचना है 6:43 पे। इसकी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा मैं। ट्रैक चेंज, ये खड़ी हमारी ट्रेन जिसको हमने अभी छोड़ा है। अरे वाइपर चल रहे हैं दूसरी साइड के, कर दिए बंद। और मुझे लग रहा है आज हम ना प्रॉपर तरीके से रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैब चेंज किया, हमारी वाइट और रेड मार्कर लाइट को चेंज किया, हेडलाइट को सेट किया। मुझे लग रहा है आज की जो हमारी रिवर्सिंग हो रही है ना बढ़िया तरीके से हो रही है। 6:43 का ऑफिशियल टाइम है दोस्तों और हमारा एस्टिमेट टाइम है 6:41, बढ़ता जा रहा है वो टाइम। स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब यही है। 30 की स्पीड जो हमको मिली हुई है 30 की स्पीड को मेंटेन करना है। अच्छा वाइपर दोनों साइड के चलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ दोनों साइड के चल पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कैब के चलेंगे। 500 मीटर दूर है अभी। अभी आपकी चैट अगर मैं देखूं, कृतिक भाई का मैसेज कहाँ जा रहे हो? अच्छा अंकित भाई बोल रहे हैं नहीं खफा नहीं है वो। ओके शुक्रिया स्टेशन मास्टर जी। सुरेंद्र भाई का मैसेज, आपने तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, अपना तो सब कुछ ख़त्म हो गया है रेलवर्क्स में। क्या बात होगी सुरेंद्र भाई, क्या हो गया यार? ऐसी बातें मत करो, आपका मैसेज बड़ा पढ़ने में डेंजरस लग रहा है, प्लीज़ बताइए क्या हुआ यार। 200 मीटर रह गया दोस्तों। यार इस लोगों के साथ दिक्कत यह है, जब हम ब्रेक लगानी शुरू करते हैं ना तो ब्रेक इफेक्टिव होनी शुरू होती हैं 30 के बाद, 30, 31 पे इफेक्टिव होनी शुरू होती हैं। और अगर आपने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया ना टाइम, तो ये नहीं पता कि आपका टाइम निकल जाए, मतलब 100-200 मीटर आप आगे निकल जाओगे वो डिस्टेंस को मेंटेन करते करते। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे ही आ गए हैं। ओके ओ उसी ट्रेन को हमको वापस लेके जाना है। ओके क्योंकि हमको जाना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो ये है दोस्तों सारी ट्रेन, प्लीज ये क्या इसको डायरेक्टली कपल मत कीजिएगा, पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जस्ट कोचेस के पहले रोकना है, देन आप कपलिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओवर। यार ये क्या क्रॉस क्यों लगाए, ये 41 से ज़्यादा टाइम हो गया ये। ओके चलिए रिवर्स डालते हैं दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे मैं सब कुछ बंद करता हूँ और कैब चेंज करते हैं। कैब चेंज, यहाँ पे हेडलाइट ऑन, वाइट मार्कर एंड रेड मार्कर। चलिए भैया तो यहाँ पे देखते हैं कितना दूर हमको जाना है। 6:45 पे पहुँचना है वहाँ पे,
डिस्टेंस है हमारा 83, तो इस बार तो मैं 45 में पहुंच के रहूंगा यार। आई विल नॉट लेट इट गो। अस्सी मीटर बाकी है, तो अगर मैं 30 की स्पीड पे चला तो भी मेरे को टाइम बहुत लगने वाला है। यार बाहर से देखना पड़ेगा। वो रहे कोचिस, ब्रेक लगानी शुरू करनी पड़ेगी। तो हमको रुकना है वहां पे जाके। स्टेशन मास्टर ने बोला था कि जब वापस जाओगे तो यू हैव टू स्टॉप। यहाँ पे नीचे देखो डिस्टेंस 500 मीटर दिखा रहा है और ट्रेन हमारी बिल्कुल सामने आ गई है सिर पे। यार ये आपको बाहर लेके चलता हूँ, 8 नंबर नीचे आएंगे और कपड़े करेंगे दोस्तों यहाँ पे आके। ओके जी, F2 सेव। अरे तू कहां से आ गया भैया आगे? ये मारा पापड़ वाले को। और कपलिंग पास जाना पड़ेगा यार। कपल नहीं हो रही है। कपल नहीं हो रही है। अंकित भाई, हिमेश भाई का मैसेज उसके बाद आया। हिमेश भाई बोल रहे हैं, हिमेश भाई बोल रहे हैं फिजिक्स टॉक, एनीवन नोज द वर्किंग मगलीव। ये क्या है? मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन भी, उसके बाद इनडायरेक्टली मगलीव ट्रेन मींस बुलेट ट्रेन। अरे क्या हो गया सर, अंकित भाई पूछ रहे हैं। हिमेश भाई बोल रहे हैं व्हाट हैपेंड एचआर गेम वर्ल्ड, सब लोगों में ऐसे ही है एचआर गेम वर्ल्ड। ओहो ऐसे कैसे? सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, अरे भाई जेठालाल के आफ्टर 30% ओनली ब्रेक स्टार्ट्स। हाँ सुंदर भाई, अरे भाई जेठालाल के साला। इसके बाद प्रीतम भाई बोल रहे, कृतिक भाई, अंकित भाई बोल रहे नो, वो आप थोड़ा आगे निकल गए थे इसलिए क्रॉस लग गया। अच्छा आगे निकलने के लिए, यार ये बड़ा बेकार काम है यार। लेकिन ये कपलिंग नहीं हो रही यार, अभी इसका क्या करें? आपने एक बार बोला था क्या करना चाहिए। यार क्या है यार ये बड़ा अनोइंग काम है यार। इसमें कई बार ना ये बड़ा चक्कर पड़ता है। नहीं वो आप थोड़ा आगे निकल गए थे। दिवांश भाई, हिमेश भाई, कृतिक भाई, अंकित भाई बोल रहे हैं अरे सर जी स्लो चलो, ठोक दो सर, लोगों के साथ ड्यूटी करेंगे देन मैक्स 15 स्पीड होनी चाहिए। लेकिन 15-20 में आपने देखा ना पीछे कि हमारा जो टाइम था वो निकल गया था, जो 35 पे पता नहीं कितने पहुंचना था वो हम निकल गए थे आगे। तो अगर धीरे चलता तो गड़बड़ हो गई।
त्रिदी भाई बोल रहे हैं ए लड़की हटो कपलिंग करने। देवांश भाई का मैसेज, क्यों यह लड़की बीच में से चली गई। और आपका मैसेज अंकित भाई डिलीट हो गया। अच्छा एग्जिट करके रिज्यूम, ठीक है। तो भैया सेव हमने कर रखा है, क्विट यस। हाँ मैंने पढ़ा तो था, रिज्यूम कर लेना, लेकिन स्टैंडर्ड यार ये बड़ा चक्कर है यार इसमें। ये हमारा पार्ट वन है, इसको करेंगे रिज्यूम। लेट्स सी देवांश भाई, एक मिनट, हिमेश भाई मैग्नेट लाओ। बजट के बाहर है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। अच्छा 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 अंकित भाई का मैसेज डिलीट पापड़ वाले को। कृतिक अंकित भाई बोल रहे हैं एग्जिट करके रिज्यूम करो गेम को, हो जाएगा कपल। ठीक है भैया, यार यहाँ पे लोको स्टार्ट करना पड़ेगा अब, ये बड़ा दिक्कत है, टाइम खराब करेगा हमारा। ये वाइपर चल रहे हैं, बाकी सब कुछ बंद कर रखा है देखो इसने। स्टार्ट होगा अभी लोको, उसके बाद कपल होगा। हे भगवान, देवा रे देवा। हो गई लाइट ऑन। अब हुई है ऑन। चलिए ब्रेक देखो कितने आराम से रिलीज हो रही है। भैया हमको जल्दी है, वी आर इन हरी। ए लड़की पीछे हटो, अभी तो लड़की है ही नहीं वहां पे। कृति भाई ने डरा दिया लड़की को। हो जा भैया हो जा। नहीं हो रहा, अभी भी कपल नहीं हो रही। कहाँ चला गया इसका? नहीं हो रहा भैया। यार ये जो ना टाइम वेस्ट करती है चीजें यार। रिज्यूम करके देखें, क्विट यस। पहले तो लोको बंद और उसके बाद लोको स्टार्ट हुआ तो नॉट कनेक्टिंग, रिज्यूम। अंकित भाई का मैसेज हो गया, हिमेश भाई मैग्नेट लाओ। हिमेश भाई बोल रहे हैं बजट के बाहर है। अंकित भाई पिछले इंस्ट्रक्शन में वही लिखा था, अगर कपल ना हो देन एग्जिट करके रिज्यूम कर लेना। हिमेश भाई बाय द वे मगले बॉक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आईटीआईजी भाई, ओके। देवांश भाई का मैसेज फिर डिलीट। एक मिनट, देवांश भाई बोल रहे हैं मगले मैंने पहले सेट ऑफ मैग्नेट से ट्रेन को कुछ इंच ऊपर उठाया जाता है, फिर दूसरे सेट को पावरफुल मैग्नेट से थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगे होते हैं उस पर प्रोपल्शन करते हैं। थोड़ा पुश करते रहो पीछे। कृतिक भाई किया है भाई, नहीं हो रहा। अरे यार चैट में कैसे पढ़ूँ यार, इधर से ट्रेन भी नहीं चल रही और उधर से चैट भी इतना ज़्यादा। जैसे उस दिन किया था कर्व होगा शायद। हिमेश भाई का मैसेज, देवांश भाई दैट इज़ राइट। ए अंकित भाई बोल रहे हैं अरे सर जी रियली सॉरी टू हियर दैट, डोंट वरी, और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। कृतिक भाई नहीं नहीं लेट नहीं हुए हैं, टाइम पे ही सब कुछ। अच्छा तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको कपल करके देखते हैं दोबारा से जाके।
ये कपलिंग का व्यू कौन सा होता है इसमें? छह नंबर से होता है ना शायद। हाँ आज पहली बार यहाँ से कपल कर रहा हूँ मैं। स्पीड हमारी 2.9। आह 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 यार ये अजीब काम है वैसे। 6:50 चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे लोको में, और लोको में हमारी जो साइड है उसको स्विच करते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हमने कुछ चेंज किया नहीं हुआ, ऑल लुक्स गुड। कृपया ध्यान दी यात्री के लिए, कृपया ध्यान दी कैसे बोल दिया ये। यार वाइपर बंद करो यार, बाकी ट्रेन चल नहीं रही, वाइपर को लगा हुआ है, धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं। शट अप। हो गई यार। तो मुझे लग रहा है वी आर गुड नाउ, और जो थ्रोटल ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स लगी हुई हैं, थ्रोटल को हम आगे देंगे, बढ़ाएंगे और निकल पड़ेंगे। यहाँ पे देखें कपल हो गई है ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, ये देखो ये टाइम गड़बड़ कर दिया यार इसने, पता नहीं क्यों, क्या गलती हमने की है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने। 7:01 पे निकलना है और हमारी ये जर्नी चलेगी मेरे ख्याल से 8:15 तक शायद। पिपरिया गाँव कितना दूर है गया? 63 किलोमीटर। पिपरिया गाँव नहीं है शायद, ये शहर होगा शायद, लेट्स सी क्या रहने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो हमारा डिपार्चर का टाइम है ना, वो आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 6:50 का है। 6:50 पे हमको निकलना है यहाँ से, और 7:01 पे हमको गुरपा पहुँचना, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। तो अभी यार मस्ती मजाक हो गया बहुत ज़्यादा, रेलवर्क्स ने भी क्या नाम है सब मैस कर दिया था। तो अभी थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठो, 50 पे निकलना है, 7:01 पे पहुँचना है, 11 मिनट हैं, 11 मिनट में हमको 11 किलोमीटर कवर करना है फाइनल। तो चलते हैं दोस्तों पैसेंजर व्यू में, पैसेंजर व्यू से आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी। ये वाला नहीं पैसेंजर व्यू, हम जाएंगे ये वाले पैसेंजर व्यू में। तो यहाँ से देखने वाले हैं, एक्चुअली ये वाला सेट कर लेता हूँ। ट्रेन आ रही है कोई? अभी आपकी चैट पढ़ता हूँ यार, पहले चैट ख़त्म करते हैं। अंकित भाई का मैसेज हो गया, हिमेश भाई बोल रहे हैं मंगलेव के ट्रैक्स है। अरे यार छोटे मैसेज किया करो यार हिमेश भाई, इतने लंबे मैसेज, एक मैसेज पढ़ने में जब लग जाता हूँ ना, तो उधर से 1 किलोमीटर आगे ना गाड़ी निकल जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे 7 वाले ट्रैक पे ही आ रही है गाड़ी मेरे ख्याल से, और इसका नाम नहीं आ रहा है। 22913 बांद्रा टी सहरसा हमसफर एक्सप्रेस। इसके बाद हमेशा मंगलेव का ट्रैक्स है मैग्नेट्स भाई, और मंगलेव ट्रेन में मेटल होता है लाइक कॉपर, आयरन विच आर पैरा मैग्नेटिक मटीरियल विच प्रोड्यूस मैग्नेट फील्ड बी व्हेन करंट आर पास्ट। इसके बाद नीचे हुड से कपल करो। रेल सिम भाई बोल रहे हैं, हिमेश भाई बोल रहे हैं टू विशेज, ITIG भाई बोल रहे हैं मेनू से कपल कर दो कैमरा आइकन के लेफ्ट। इसके बाद कृतिक भाई कपलिंग डीकपलिंग सिनेरियो रखना ही क्यों। इसके बाद शिवानंद भाई क्या हाल चाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार कितनी चैट फिर आ गई शिवानंद भाई के मैसेज के बाद, अरे वाह आज तो धड़ाधड़ चल रही है चैट। भाइयों प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। हिमेश भाई बोल रहे हैं देवांश भाई एंड मंगलेव ट्रेन आर स्मूथ एंड इको फ्रेंडली। देवांश भाई अच्छा, इसके बाद हिमेश भाई बोल रहे हैं एंड एक्सट्रीमली फास्ट देन ICE ट्रेन्स बट वेरी एक्सपेंसिव। हिमेश भाई बोल रहे हैं दैट फास्टर इज बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। टू द एलपी दिस इज गार्ड स्पीकिंग, यू आर क्लियर टू डिपार्ट बट डिपार्ट ऑन टाइम ओवर। 6:50 होने वाले हैं भैया, आधा मिनट रह गया। शुक्रिया जी, हम सफर खड़ी है हमारे साथ। हिमेश भाई दैट फास्टर इज बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। देवांश भाई दैट इज ट्रू। प्रीतम भाई बोल रहे हैं हिमांश भाई 12th में हो क्या या बोर्ड हो गए? प्रीतम भाई पूछ रहे हैं या बोर्ड हो गए।
ओह फाइनली दोस्तों फाइनली। चलिए कितना बढ़िया लगता है ना जब ट्रेन में ऐसे बैठे हैं और ट्रेन चल पड़ती है, इसका मतलब लोको साथ में लगा हुआ है और ट्रेन को पूरी क्षमता के साथ वो खींच रहा है। तो 6:50 पे हमारा डिपार्चर ऑन टाइम। लेट्स सी आगे क्या रहता है। मेश भाई बोल रहे हैं जी, प्रीतम भाई, कृतिक भाई बोल रहे हैं वाह अपडेट 1.3 इज आउट फॉर नाउ अवेलेबल ऑन फ्लाइट सिम डॉट टीओ। हिमेश भाई 12वीं में हूँ, हिमांश भाई 12th द हॉरर स्टोरी। कृतिक भाई बोल रहे हैं चेक आउट द न्यू ब्यूटीफुल सिनेरियो सिन स्क्रीनशॉट ऑफ वाह। इसके बाद प्रीतम भाई बोल रहे हैं जी प्रेप चालू, डिस्कॉर्ड में डाला कृतिक भाई। इसके बाद आता है 11th से प्रीतम भाई, कृतिक भाई बोल रहे हैं हाँ डाल रहा हूँ। कृतिक भाई बोल रहे हैं नो फ्लाइट सिम डॉट टीओ पे है स्क्रीन शॉट। इसके बाद प्रीतम भाई बोल रहे हैं आह दैट एक्सप्लेन्स ऑल दिस फिजिक्स, कोयना इंजीनियरिंग में फिजिक्स ये क्या है, केमिकल दूर दूर तक काम नहीं आएगा। अच्छा फन फैक्ट 11th इज़ फार डिफिकल्ट दैन 12th। मनीष भाई क्या हाल चाल है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिवांश भाई आगे बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। प्रीतम भाई बोल रहे हैं फन फैक्ट स्कूल से कॉलेज लाइफ इजी, एक बार जॉब लाइफ शुरू देन यू गेट टू नो। हिमेश भाई, प्रीतम भाई हंस रहे हैं हाँ प्रीतम। अरे यार स्पीड थोड़ा सा मेंटेन कर रहा हूँ स्पीड को। ओ पैरेलल रन, वाह वाह वाह, आपको ऐसे दिखाता हूँ पैरेलल रन प्रॉपर व्यू के साथ। क्या सही लग रहा है भैया, पूरी स्पीड हमारी बराबर चल रही है, हम थोड़ा सा फास्ट हैं बस दूसरी ट्रेन से, लेकिन ये आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन फिलहाल हमको बहुत बढ़िया पैरेलल रन देखने को मिल रहा है। आप पैसेंजर व्यू से लेफ्ट साइड से इंजॉय करो, और वो ट्रेन दूर होती जा रही है। अरे नहीं दूर मत जा यार, पास आती जा, दूर मत हो। मानेगी नहीं, आंखों से ओझल होती जा रही है दूसरी ट्रेन। थोड़ी देर में हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो दोस्तों स्पीड हमारे को मिल गई है 50 की, तो थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, 50 का कर दिया, लेकिन ट्रेन हमारी अब आंखों के सामने अभी भी। दिस इज योर गार्ड, अब आपको क्लियरेंस मिल गई है मेन लाइन स्पीड की। अब आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं एंड अदर स्पीड लिमिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके जी, 72% थ्रोटल सेट कर दिया भैया। वो जा रही है ट्रेन, शायद दिखी मेरे को, पेड़ पौधे आ गए हैं सामने। ओके बाय बाय झाड़ियों। चलिए भाई वो निकल चुकी है ट्रेन और हम अपने रास्ते चल पड़े हैं। और दूसरी साइड देख के क्या व्यू दिख रहा है यहाँ पे, सुबह सुबह का टाइम, ब्यूटीफुल सिटी व्यू। और ये हमारा ओवरले ऑन कर देते हैं, 70 की स्पीड हो चुकी है। और इसके बाद जो होता है भैया, हिमेश भाई का मैसेज है दिमाग, जॉब लाइफ सबसे बेकार है, आई कैन फील दैट। हिमेश भाई बोल रहे हैं केमिस्ट्री बाय दूसरी ट्रेन। कृतिक भाई बोल रहे हैं, दिवांश भाई बोल रहे हैं इग्नोर स्पीड लिमिट नोट द स्टॉप। अरे दिवांश भाई आप मेरी टांग खींचोगे आज मेरी पूरी हैं। प्रीतम भाई बोल रहे हैं दिवांश भाई फर्स्ट ईयर इज़ लाइक हॉलीडे इन कॉलेज, एक बार सेकेंड ईयर शुरू हुआ फिर पता चलता है कि हाँ इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपकी चैट को कैच कर लिया है, और आई होप कि आपकी चैट के साथ ही चलूँगा। भाइयों प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत कम लाइक हैं, व्यूअर्स आज हमारे बहुत आए हैं लेकिन लाइक नहीं हो पा रहे हैं। भाइयों अगर कोई गलती है ना तो मुझे बता दो, ऐसे नहीं है कि अगर आप आए आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बिना लाइक किए बैठे हो। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे को बताओ, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, और अगर इम्प्रूव हो जाती है तो लाइक कर देना उसके बाद। अगर आपको अभी भी अच्छा लाइक लग रहा है तो लाइक कर दो। अभी 19 लाइक हो गए हैं, देखो दो बढ़ गए हैं साथ ही साथ। इसका मतलब यही है कि भाइयों को अच्छी लग रही है वीडियो, लेकिन वो लाइक करना भूल जा रहे हैं। स्पीड हमारी 112 की हो गई है, तो भैया स्टेशन मास्टर आपको गुस्सा करेंगे। तो स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ मैं, 24% टोटल कर दिया मैंने, नहीं मेंटेन हो रही, थोड़ा सा बढ़ा देते 31%। अभी अभी सही लग रही है। क्या आवाज़ आ रही है भैया ट्रैक की, बहुत बढ़िया। नहर भी निकल चुकी है, क्रीवर भी निकल चुका है, तो मुझे लग रहा है 32-33 स्पीड चाहिए। 35 की है, स्पीड बढ़ानी शुरू कर देगा 35। चलिए सही चल रही है, एक बार देख लेते हैं कितना डिस्टेंस बाकी है। 6.85 किलोमीटर, ज़्यादा दूर है नहीं, 7:01 पे हमको पहुंचना है। और अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 6:54, और हमारा जो ऑफिशियल टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 7:01, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल 6:49:20, जो कि बहुत ही कम है, 1:40 का हमको ग्रेस टाइम मिला हुआ है।
आज तो हम टाइमली पहुंच जाएंगे, पहुंचा के रहेंगे। हिमेश भाई हंस रहे हैं, हिमाश भाई बोल रहे हैं मैं सुधार दूंगा ड्राइवर को। सही है, सुधार तो दो ही गए भाई। वो देखो हम पूरी स्पीड पे चला रहे हैं जो हमको दी गई है, लेकिन एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल अभी भी बढ़ रहा है यार। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है, इसका जो एल्गोरिज्म या लॉजिक है ना वो बड़ा बेकार है यार। 1:40 की बजाय 1:39 रह गए हमारे पास जो एक्स्ट्रा हैं, 5.25 किलोमीटर के करीब रह गया भैया। गुर्रा गुरपा बोल रहा था पहले मैं, ये गुर्रा है, गुर्रा प्लेटफॉर्म नंबर 2। इसके बाद मनीष भाई, भैया आप वर्क क्या करते हो? भैया मैं IT में जॉब करता हूँ, फुल टाइम जॉब, और इसीलिए मैं मंगलवार से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लाइव स्ट्रीम नहीं करता। शुक्रवार को इसलिए लाइव स्ट्रीम करता हूँ क्योंकि मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो इसलिए हमारे जब मेरा लास्ट डे होता है वीक का फ्राइडे वर्किंग डे, उसी दिन हम लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं हमारी। महेश भाई बोल रहे हैं मनीष भाई 9 पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज़। इसके बाद है प्रीतम भाई, राहुल भाई मुंबई टू शिरडी जो हैदराबाद की फ़्लाइट करना, मुंबई टू शिरडी टू हैदराबाद की फ़्लाइट करना, शिरडी के एयरपोर्ट बहुत मस्त बनाया है। अच्छा जी, फ्लाइट सिम में है, प्रीतम भाई बोल रहे हैं भैया। थैंक यू, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मालगाड़ी दोस्तों निकल चुकी है और हमारी जो स्पीड है वो स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं 110 किलोमीटर प्रति घंटा, नो ओवर स्पीडिंग, नथिंग एल्स, लेकिन हमारा टाइम फिर भी बढ़ता जा रहा है पता नहीं। इसके बाद फ्लाइट डेली भाई क्या हाल चाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष भाई बोल रहे हैं ओके। तो भाई आपको सबको बताना चाहता हूँ यार, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हमारे हर लाइव स्ट्रीम में सब्सक्राइबर आते हैं लेकिन देखते हैं मंडे को लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, ट्यूजडे को लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, थर्सडे को लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, चले जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं लिटरली। मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूँ यार, हमारे सब्सक्राइबर हर हफ्ते इतने आते हैं और उसके बाद उतने ही चले जाते हैं। तो भाइयों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार मेरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ जिसकी वजह से मैं सोमवार से लेके शुक्रवार तक मैं जॉब लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है, इसलिए फ्राइडे शाम को, सैटरडे को और संडे को, ये 3 दिन मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई लोग हैं नए जुड़ते हैं हमारे चैनल पे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे की लाइव स्ट्रीम देखने के बाद प्लीज़ पेशेंस रखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को 4 दिन लाइव स्ट्रीम नहीं होती है, उसके बाद फ्राइडे को मैं फिर दोबारा से लाइव स्ट्रीम करनी शुरू कर देता हूँ। और जब मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता तो आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों कि आप जो हमारे पुराने कंटेंट है ना, जो मैंने पिछले हफ्ते लाइव स्ट्रीम किया, उससे पिछले हफ्ते लाइव स्ट्रीम किया, आप प्लीज़ भाइयों उन लाइव स्ट्रीम को देखो सोमवार से लेके वीरवार तक, और उसके बाद जब शुक्रवार आता है तो आपको नया कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो रहा है भैया मेरे साथ पिछले एक महीने से, मैं देख रहा हूँ हमारे पिछले एक महीने में अगर टोटल सब्सक्राइबर काउंट देखोगे ना कितने आए हैं, सिर्फ एक नया सब्सक्राइबर आया। उसका रीज़न ये है, हर हफ्ते हमारे चैनल के ऊपर 5-7, 5-7, 10-11 सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, लेकिन मंडे से लेके बुधवार तक जो होता है ना हमारी लाइव स्ट्रीम नहीं होती तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं वो। यार भाइयों इतना पेशेंस तो रखो यार कि आप एक हफ्ता तो दो। तो भैया स्पीड को मैं कम कर रहा हूँ, अराउंड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा स्टेशन गुर्रा आ रहा है, गुर्रा आ रहा है। चलिए स्पीड मेरे ख्याल से हमारी बिल्कुल सही है, 30 की स्पीड लिमिट अगर मिलती है हमको तो वी आर ऑन 30। लेकिन यार ये टाइम जो है ना ये बड़ा तेजी से बढ़ेगा अभी। तो चलो ये वाला व्यू देखते हैं, यहां से हम देखते हैं हमारा अराइवल। जब भी मैं अभी स्टेशन पे जाता हूं ना तो ट्रेन सिलेंडर मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है कि ट्रेन जैसे आ रही है, हॉर्न दे रही है, अराइवल हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, सब कुछ अमेजिंग फीलिंग। प्लेटफॉर्म अभी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, लेट्स सी। 320 मीटर रहता है अभी और हमारा एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल 7 बजे का दिखा रहा है, अभी 2 मिनट कम, 7:01 का ऑफिशियल। भैया जब अराइवल कर रहा होता हूँ ना तो क्वेश्चन आप पूछते तो पेशेंस रखो थोड़ा सा। अभी मैं अगर आपके चैट पढ़ने लगे ना, पहले मेरे साथ हो चुका है, मैंने एक स्टॉप को स्किप ही कर दिया, पता ही नहीं चला चैट पढ़ते पढ़ते। तो जब अराइवल हो रहा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए ताकि मैं अराइवल जो ट्रेन है हमारी उसको टाइमली रोक पाऊँ स्टेशन के ऊपर।
ग्रेडियंट आ गए और ट्रेन अब नहीं, ग्रेडियंट नहीं है भैया। चलिए ये हमारा स्टॉप आ गया और मुझे लग रहा कि ये तो टिक लगनी चाहिए यार, रीज़न कोई है नहीं टिक ना लगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो है गुरमखेड़ी। गुरमखेड़ी के बाद आएगा सोहागपुर, देन हमारा पिपरिया। तो गुरमखेड़ी हमको पहुँचना है दोस्तों 7:28 पे, और 12 मिनट का वहाँ पे होल्ट है, ये लंबा होल्ट है। 7:06 पे डिपार्चर करना है, टिक लग चुका है। 7:06 हमारे पास बाकी हैं, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे दूसरे व्यू में, जो कि है आपको पता ही होगा शायद ये वाला। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा डिपार्चर, और यहीं से हम देखेंगे हमारे अगले स्टेशन का अराइवल, जो कि है यहाँ से 28.30 किलोमीटर दूर। लेकिन आपको बीच में दूसरे व्यूज़ है वो भी दिखाता रहूँगा, वो चिंता मत करना। फिलहाल डिपार्चर हमको यहाँ से देखना है, तो ये वाला व्यू मैं सेट करके यहाँ पे बैठा हूँ और हम बैठे हैं दिस इज द दोस्तों। गार्ड ऑफ द ट्रेन। हाँ जी अब यहाँ पर क्यों स्टॉप दे दिया यार, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन हमें ओटी मार के जाएगी। ओटी ओवर। ओवर। तो हम सेंटर सीट में टू द बैठे गार्ड, हैं। दिस इज योर ALP। मुझे लगता है पिछले स्टेशन में जो हम सफर हमारे बाजू में आके खड़ी हुई थी वही हमें ओवरटेक करेगी। अरे उसमें तो अपने बिजेन चौहान उसके ALP थे। नहीं अच्छा है, उनको जाने दो आगे, हम पीछे पीछे ही ठीक है। देखो क्या मस्ती चल रही है गार्ड में और ALP में, जबरदस्त कम्युनिकेशन चल रहा है। और देखो भैया ऐसे बातें करते ही एक दूसरे के साथ हंसते गाते मजाक करते ही सफर निकलता है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ, कोई एक बैठा बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे और एक बैठा ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में, तो दोनों में बातचीत चलती रहे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चलता रहे, सोच के देखो कितना मजा आता है ऐसी जर्नीज में। और अभी 4 मिनट हमारे पास बाकी है, तब तक मैं आपकी चैट पढ़ लेता हूँ दोबारा। इसके बाद आता है भैया दिवाश भाई बोल रहे हैं, सर सुना है IT वालों को जॉब पर अब AI टेक ओवर कर रहा है। भैया AI टेक ओवर करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता कि हाँ आज AI आया और सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं होता। और अभी जो IT है ना उसमें, अभी जो आई क्या नाम है जो चल रहा है ना, क्या नाम है इसका, AI का सिस्टम, तो AI जो है अभी चल रहा है, लेकिन AI इतना पावरफुल अभी हुआ नहीं है कि वो जॉब्स को टेक ओवर करना शुरू कर दे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है भैया, हिमेश भाई बोल रहे हैं दिवांश भाई दैट इज़ र्यूमर, बाई द वे चैट GPT सॉल्व ओनली 5 JEE क्वेश्चंस आउट ऑफ 90। दिवांश भाई बोल रहे हैं ऐसा होता है 5 सब्सक्राइबर करते हैं तो 2 सब्सक्राइबर्स 2 अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्या खेल है। दिवांश भाई एक्चुअली ये ना इंडिया में होता है, आपको सही बात बता रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में होता है और कहीं नहीं होता। तो इंडिया में जो व्यूअर्स है ना वो बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं यार, कि हमको जब भी आए ना तो वो बंदा हमको लाइव स्ट्रीम करता मिले, कुछ हो जाए, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई बार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अगर उसने यूट्यूब चैनल खोले और हमने सब्सक्राइब कर दिया तो ही शुड बी लाइव स्ट्रीमिंग 24 आवर्स। तो ये है चक्कर, जितने भी मैंने फ़ोन के चैनल देखे हैं, कुछ भी देखे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, चाहे वो एजुकेशनल बेस्ड हैं, चाहे वो MSFS के हैं, चाहे वो ट्रेन सिम के हैं, कोई भी है, तो मैं उनका, ये ट्रेन निकल रही है, तो ये ट्रेन जो निकल रही है यार यहाँ से दिखेगी नहीं, बाहर के व्यू से देखनी पड़ेगी। तो इसका नाम अभी ये दिख रहा है, निकल चुकी है आगे, 22913 बांद्रा टी सहरसा हमसफर एक्सप्रेस सहरसा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने कोच में, ये लीजिए। तो भैया ये चक्कर है, मैंने जितने भी दूसरे चैनल्स को देखा ना उनके सब्सक्राइबर काउंट को भी मैं देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वहाँ पे वो बंदा यार एक एक महीने कई बार गायब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो व्यूअर्स है ना वो उनमें पेशेंस इतना है कि वो पता है यार उनको कि यार ये बंदा आके कंटेंट बनाएगा। और एक बात बताओ, आपने सब्सक्राइब कर दिया, 5 दिन लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, तो आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं भाई, तो आपको क्या हो गया कि आपका कोई खर्चा थोड़ी पड़ रहा है कि यार मुझे नुकसान हो रहा है मैं अनसब्सक्राइब कर दूँ। तो ये मैंने नोटिस किया कि हमारे इंडिया में ही होता है और कहीं नहीं होता। कृतिक भाई बोल रहे हैं नॉट मुंबई अहमदाबाद टू शिरडी, नॉट मुंबई अहमदाबाद टू शिरडी। दिमाश भाई IT वालों का नहीं बेसिक जॉब्स। तो भैया यहाँ पे 7:06 पे डिपार्चर है, अभी हमारे पास 30% थ्रोटल रखना है, ये ठीक है। तो हमारे पास अभी 1.25 मिनट के करीब है, थोड़ा सा कम। तो IT में एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है ना, तो उसमें भी AI इतना इंटेलिजेंट हुआ नहीं है कि कोड लिखना शुरू कर दिया। हाँ कुछ चीज़ें हैं आपको कोड की हेल्प मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर जो लॉजिक्स होते हैं एल्गोरिदम्स होती हैं वो भी जो AI है उसको टेक ओवर नहीं कर सकता, सालों लगेंगे अभी उसके लिए।
इसके बाद आता है भैया शिवानंद भाई का मैसेज, कैब व्यू। शिवानंद भाई आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल के ऊपर जो लाइव स्ट्रीम होती है ना, उसमें क्या होता है कि जितने भी व्यूज़ होते हैं ना, मैं आपको सारे के सारे व्यूज़ दिखाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंप करता रहूँ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो हमारी जो एक लेग होती है ना, यहाँ से ट्रेन चली अगले स्टेशन तक, वो सारे का सारा जो अराइवल और डिपार्चर होता है ना, डिपार्चर और अराइवल होता है, वो एक व्यू से होता है। अगला जो स्टॉप आएगा वहाँ से लेके अगले स्टॉप तक अलग व्यू से डिपार्चर एंड अराइवल। लेकिन अगर जैसे अभी ये लेग लंबी है ना, 28.30 की है, तो इसमें मैं दूसरे व्यूज़ दिखा सकता हूँ। तो इसमें मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दिया, कभी स्टेशन स्किप दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। तो ऐसे व्यूज़ में, ऐसे जो लेग होती है लंबी, उसमें मैं आपको कैब व्यू दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक व्यूज़ देखने हैं ना, तो आपको लाइव स्ट्रीम में स्टार्टिंग से ही आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं कैब व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी व्यूज़ को कवर करता हूँ। और जब एक बार बाकी व्यूज़ कवर हो जाते हैं, उसके बाद मैं वापस से कैब व्यू में आता हूँ। लेकिन उसके लिए हमको इतने स्टॉप भी चाहिए होते हैं उस सिनेरियो में। तो अगर आप चाहते हो कि यार मुझे डोर व्यू देखना है, अगली लाइव स्ट्रीम में आते हो और आप कहते हो कि यार मुझे पैसेंजर व्यू देखना है, उससे अगली लाइव स्ट्रीम में आते हो आप कहते हो कि मुझे कैब व्यू देखना है, तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप लाइव स्ट्रीम में आओ और सारी की सारी लाइव स्ट्रीम देखो, आपको सारे के सारे जो व्यूज़ हैं वो दिखाई देते रहेंगे। और टाइम निकल गया यार हमारा, 30% टोटल करना है। सामने से ट्रेन आ रही है, टोटल मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा 20 सेकेंड लेट दोस्तों हम हो गए, 20 सेकेंड लेट, लेकिन आगे लेट नहीं होंगे। 7:28:30 का ऑफिशियल टाइम ऑफ अराइवल, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल 7:22:43:44 बढ़ रहा है, तो वो टाइम को हमें कवर करना है। सामने से जा रही है हमारे कोयले वाली गाड़ी, मालगाड़ी, चलिए हमने भी स्पीड दे दी है अच्छी वाली। और यहाँ से देखते हैं हमारा आगे का व्यू, ये डोर व्यू आ गया इसका, लेकिन हम बैठेंगे ये वाले व्यू में, स्टेशन के वाले साथ वाले में। प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है अभी हमको, तो प्लेटफॉर्म निकलने वाला है थोड़ी देर के बाद, जब खत्म हो जाएगा देन वी विल सी। दिस इज योर गार्ड, अब आपको क्लियरेंस मिल गई है मेन लाइन स्पीड की, अब आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है जी, एंड अदर स्पीड लिमिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओवर। 70% थ्रोटल सेट, नाइस। इसके बाद कृतिक भाई, प्रीतम भाई, शिवानंद भाई, देवाश भाई बोल रहे, अरे भाई आईटी में भी जो स्पोर्ट और छोटी मोटी कोडिंग का काम है सब एआई कर ले रहा है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शिवानंद भाई जो कैब भी हुआ था वो एक नंबर दबा के आता है वैसे तो, लेकिन आपने पूछा बताना, तो आप देखने के लिए पूछ रहे थे कि बताने के लिए पूछ रहे। कृतिक भाई अहमदाबाद मुंबई शिरडी, ठीक है, वाया वाया, हाँ ये भी अच्छा है। कृतिक भाई, हिमेश भाई हंस रहे हैं, ये क्या है, फॉर कॉमन पीपल चैट जीपीटी इज द एआई दैट विल ओवरटेक। आइडिया जी भाई बोल रहे हैं रेल वर्क्स ग्लिच। कृति प्रीतम भाई बोल रहे चैट जीपीटी जनरल पर्पस एआई जॉब लेने वाला एआई इज कस्टम बिल्ड ऑन ओपन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअली ये बात सही प्रीतम भाई ने बोली है भैया, जो जो एआई कोड लिखेगा आप सोच के देखो उसके पीछे कितना दिमाग लगेगा, कितनी उसकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो वो जितने भी आएंगे ना, वो सारे पेड वर्जन आएंगे आने वाले टाइम में, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाले हैं मेरे हिसाब से जो एआई है। तो देखते हैं किस तरीके से आता है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर मेरे ख्याल से 3-4 साल तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ यार, कम्प्लीटली ह्यूमंस किसी भी जॉब से निकल नहीं सकते हैं अगर एआई आता है। जैसे भी आप देखो जो फोटो वगैरह बनाते हैं, साउंड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें भी एक बंदा चाहिए ना जो उसको चैट जीपीटी को कोड लिखता है यार मुझे ये चीज़ बना के दो, मुझे ये चीज़ बना के दो। तो ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेस जो है वो तो रहेगा रहेगा, बेशक कम हो जाए लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकता। ट्रैक साउंड बढ़िया आ रही है भैया यहाँ से, तो मैं थ्रोटल को कर रहा हूँ 35 पे सेट, 110 की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। ओह ये देखो ये सिटिंग है भैया, हम सीढ़ियों में बैठ गए हैं, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, आराम से बैठ के सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, हिमेश भाई बोल रहे हैं सालों के 10-10 ईयर्स विल टेक। कृतिक भाई बोल रहे हैं कोई जॉब नहीं जा रहा है, टैलेंट है मिल जाएगा और कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर एक ही चीज़ पकड़ के पूरी ज़िंदगी खाली बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कृतिक भाई आगे बोल रहे हैं, कुछ लोग एक लाइन के पीछे 10-15 साल कोई जॉब नहीं करते, फिर बाद में रोते हैं। प्रीतम भाई बोल रहे हैं अरे भाइयों एआई इज जनरल पर्पज़ टेक। प्रीतम भाई बोल रहे हैं आईटी जॉब में लोग पूरा लाइफ सीखते रहते हैं, तो कोप अप विद न्यू टेक। बिल्कुल सही बात है, आईटी में दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपको हर दिन सीखना पड़ता है,
हर 2-3 महीने के बाद आपको नई चीज़। मेरी कंपनी लगा लो यार, जब से मैंने ज्वाइन किया मैं 4-5 साल हो गए, और हर 6 महीने के बाद मेरे को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं आईटी में। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब ले ली और मज़े हैं, नहीं, आपको हर 6 महीने के बाद ना एक कुछ नया कंपनी की तरफ से नया प्रोजेक्ट मिलता है, या कुछ नई टेक्नोलॉजी होती है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों कैब व्यू में। 60 की स्पीड चाहिए यहाँ पे, लेकिन वी कैन इग्नोर स्पीड्स। 23 किलोमीटर के करीब रहता है हमारा, गोरम खेड़ी मेन लाइन पे हमको रुकना है। तो ये हमारा कैब व्यू आ गया। असिस्टेंट लोको पायलट ALP की साइड से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमने डोर वगैरह जब हमने स्टार्ट किया था ना तब से खुले नहीं है, तो ये भी खोल देते हैं। क्लिक करो और अपने आप खुल जाएंगे। भैया एक्शन हमारा दोबारा स्टार्ट हो चुका है और बढ़िया चल रहा है फिलहाल। टैक्सी यार ये हॉर्न है ना, मुझे तो नहीं पसंद, इतना अच्छा नहीं लगता। बिकॉज अभी सुनो स्टार्ट कैसे होगा, आराम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बंद देखो कैसे होगा एकदम से, ऐसे नहीं होता। तो ये हॉर्न हमको अलग से चाहिए। फास्ट लाइन गेम्स प्लीज़ चेंज द हॉर्न जितना जल्दी हो सके। इसके बाद भैया प्रीतम भाई बोल रहे हैं IT जॉब में लोग पुराना। अच्छा ड्रोन चौधरी, चौधरी भाई क्या हाल चाल है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप बोल रहे हो नाइस गेम प्ले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और भाइयों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो। जो हमारे पुराने व्यूज़ हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। अभी YouTube ने एक ना नई चीज़ शुरू कर दिया है, हर एक हफ्ते के बाद आपको आपका एक हफ्ते का ना रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है कि आपने एक हफ्ते में कितनी वीडियो अपलोड की, कितने आपको लाइक मिले, कितने सब्सक्राइबर नहीं मेंशन करते मेरे ख्याल से, लाइक शेयर, और आपकी top 3 वीडियोस कौन सी रही हैं लास्ट वीक में, वो बहुत बढ़िया है यार। तो वो आपको काफ़ी अवेयर रखता है कि आपका चैनल कैसा चल रहा है अभी, इस वीक कैसा गया है। इसके बाद कृतिक भाई बोल रहे हैं जॉब करो दुनिया, ये मालगाड़ी, जॉब करो दुनिया का एक्सपीरियंस लो, कुछ भी सोच कर कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल अपना काम करते रहो यार, AI जॉब लेगा नहीं लेगा सोचो मत, जब जो होना होगा देखा जाएगा। आप टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपना काम करते रहो बस। फ्लाइट डेली भाई बोल रहे हैं सिंपल फंडा, एंजॉय द लाइव स्ट्रीम, बस मज़ा आता है। अरे वाह शुक्रिया फ्लाइट डेली भाई, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो अगला मैसेज आ रहा है शिवान भाई का मैसेज, हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय ऑल एडोन्स एंड सिनेरियोस, अराउंड 10,000 प्लस माइनस। लेकिन जब स्पेशल लगते हैं ना, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तब स्पेशल भी आता है, कई बार डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं, तब आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेके काफ़ी मनी सेव कर सकते हो। प्रीतम भाई बोल रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट AI रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, एंड फॉर द टाइम बीइंग वी आर लिमिटेड टू 5 NM चिप्स एंड दैट्स द लिमिट। फ्लाइट डेली भाई बोल रहे हैं सीढ़ी वाला व्यू वंदे भारत में मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल वहाँ पे तो डोर व्यू नहीं मिलेगा, एक्चुअल डोर व्यू। फेक वाला तो मिल जाएगा, डोर के पीछे खड़े हुए देखते रहो वो फेक वाला मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल जो डोर व्यू वो नहीं मिलेगा। प्रीतम भाई बोल रहे तो जब तक क्वांटम कंप्यूटर नहीं आता तब तक AI ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और जब तक क्वांटम कंप्यूटर आएगा प्रीतम भाई तब तक टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो जाएगी कि बंदा तो कहीं पे कहीं काम कर ही रहा होगा। आपको पता ही है चाहे वो दूसरे स्पेस पे जाके काम करे, वो जितने भी एडवांस कंप्यूटर होते हैं उनको वहाँ पे जाके मैनेज करे, दूसरे ग्रहों पे जाए, किसी और धरती पे जाए, किसी और दुनिया में जाए, या फिर धरती पे ही कोई एडवांस रिसर्च में वो पार्टिसिपेट कर रहा हो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक टेंशन प्रीतम। तो हिमेश भाई या भाई श्री शिवान भाई बोल रहे हैं इंस्टॉल द ट्रेन सिम क्लासिक, बहुत बढ़िया। आपको अभी फास्ट लाइन गेम्स पे जाना है तो वहाँ से आप रोलिंग स्टॉक बाय कर सकते हो, रूट बाय कर सकते हो। रूट के लिए आपको रोलिंग स्टॉक और रूट के लिए एक अलग हैं AK ट्रेन, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। और उसके अलावा हमारे रूट्स और सिनेरियोस के लिए अलग वेबसाइट है HR गेम वर्ल्ड, और उनके बाद अगर आप सिनेरियो बाय करना चाहते हो जिनका आज हम सिनेरियो खेल रहे हैं वो है अंकित भाई, तो उनकी अलग वेबसाइट है। तो मेन 4 रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने कॉन्टेंट जो रेलवर्क्स के हैं वो ले सकते हो। इसके बाद रेलवर्क्स ग्लिच है ये, ITIG भाई बोल रहे हैं हॉर्न। इसके बाद अगला मैसेज है कृतिक भाई और राहुल भाई आज कुछ खाया नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ एक्चुअली। पकौड़े चाय भेलपूरी समोसा लाओ यार, लाओ लाओ भाई। और टी क्यों इंडिया चाय, इंडियन चाय बिल्कुल। नोट द डेट 23 अगस्त 2023। हाँ जी चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, कृतिक भाई बोल रहे हैं अब बस करो, बहुत हुआ AI
एआई ट्रेन से एंजॉय करना करने आए हैं, वापस टेंशन लेने नहीं दुनिया का, बिल्कुल। और भाइयों प्लीज़ लाइक कर देना, 21 लाइक्स हो गए हैं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, 14.5 किलोमीटर दोस्तों डिस्टेंस रहता है हमारा अगले स्टेशन का, गुरमखेड़ी का। एक मिनट आप मुझे एक मिनट दो, अभी मैं आपके पास वापस आता हूँ। भाई ने याद करवा दिया कुछ खाने का, तो मैं वो लेके आता हूँ आपके साथ शेयर करके खाते पीते हैं। तो भैया आई एम बैक, और अभी दिखाता हूँ आपको मैं क्या लेके आया हूँ। साथ में पियेंगे या खाएंगे? अच्छा गैस करो यार, आज देखते हैं, गैस करो मैं क्या लेके आया हूँ, खाने वाली चीज़ है कि पीने वाली चीज़ है। मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया, जो लालिमा थी ना सूर्य की, जो येलो लाइट थी या जो भी, वो ख़त्म हो चुका है और अभी पूरा सूर्य देवता आसमान में आ चुके हैं और ब्लू स्काई हो गया। पीने वाली प्रीतम भाई बोल रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी कृतिक भाई बोल रहे हैं, हिमेश भाई खाना राइट, भाई पूरी भेल पूरी सच, हिमेश भाई बोल रहे हैं, राइट अली भाई बोल रहे हैं, पीने वाली दिख गया छाछ, अरे कैसे दिख गया? अच्छा ये नहीं यार, ये तो पानी है जो आपने बोला दिख गया, वो चीज़ है दोस्तों ये। अभी देखते हैं, अभी खाते हैं पीते हैं सच। तो जिन्होंने पीने वाली बोला है ना वो ठीक है, जिन्होंने कॉफ़ी बोला है वो आधे ठीक हैं। छा चिप्स, और भैया चेयर्स, गर्मी इतनी है पसीना आ रहा है मेरे को, वो ठंडी ठंडी ये जाएगी ना अंदर, मज़ा आ जाएगा। गैस करो क्या है? नहीं यार, बता नहीं सकता, ठंडा ठंडा अंदर लग गया, मज़ा आ गया। नहीं स्प्राइट नहीं है, अरे यार नहीं गलत, मैं आपकी पहले पुरानी चैट पढ़ लेता हूँ। स्पीड ज़्यादा हो रही है हमारी, इसके बाद हिमेश भाई वाइपर ऑफ करना भूल गए, बारिश हो रही थी ना तो अभी मैंने कर तो दिया है वाइपर ऑफ, अभी बारिश हो रही है यार, भैया ऐसे मत करो। 33% पे सेट कर दिया हमने टोटल, और डिस्टेंस रह गया हमारा 7.25 किलोमीटर के करीब। नेक्स्ट मैसेज है भैया शिवानंद भाई, ब्रो प्लीज़ डू स्ट्रीम ऑन द सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस। भैया मेरे को सिनेरियो को आईडी बता दो शिवानंद भाई, मैं कर दूंगा। इसके बाद आईटीआईजी भाई बोल रहे हैं हिमेश भाई बारिश अभी भी आ रही है, अंकित भाई बोल रहे हैं आज अच्छा ऑडियंस स्ट्रेंथ है, चैट्स भी बहुत है, हिमेश भाई आईडी कोल्ड कॉफ़ी खाना राइट, पीने वाली भेलपुरी, पीने वाली दे गया छाछ चिप्स स्प्राइट लोल स्प्राइट फ्राइडे भाई बोल रहे हैं, सेवन अप आइस टी प्रीतम भाई बोल रहे हैं, अरे यार
लेमोनेड, लिप्टन, नींबू पानी या कोकोनट वाटर, सेवन अप। अरे छोड़ो कृतिक भाई, अरे भाई कोकोनट वाटर, लिप्टन या लेमन। लो भाइयों मैं दिखा देता हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लिम्का। तो अगर कोई आप प्रोडक्ट दिखाते हो ना तो ये लगता है कि स्पॉन्सर्ड हो रहा है। तो नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लिम्का, खुद पैसे दे के बाय किया। हाँ हाँ, और तेरी कौन गया ये 12335 भागलपुर मुंबई LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओके भैया, हमारा जो डिस्टेंस है वो रह गया 4.5 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं हमारे वो वाले कोच में और यहाँ से आपको दिखाऊंगा अराइवल। इसके बाद सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस का आप स्ट्रीम कर चुके हो। अच्छा, कब हमारे जो भाई हैं शिवानंद भाई, आपने भी चैट में पढ़ा, अंकित भाई ने बोला है कि सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस का स्ट्रीम हो चुका है। तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए या डिस्कॉर्ड चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। महेश भाई, अरे अरे लिम्का कैसे भूल गए, मैं नींबू पानी सही था मेरा गैस स्पेक्स। फ्लाइटली भाई लिम्का, सेवन अप, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, सब ग्रीन ही तो हैं। स्पेक्स फ्लाई डेली वेलकम। डिस्टेंस 9.7 कुछ रह गया भैया, थ्रोटल मैं कर रहा हूँ आइडल, और हमको पहुँचना है टाइम पे। अभी ये मत कहना कि हमारी चैट पढ़ो, बिकॉज अभी रुकने का टाइम आ गया, पहले मैंने गलतियाँ किया, अब नहीं करूँगा। वैसे ये कोच में बहुत अंधेरा लगता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसका एक्चुअली कलर भी ऐसा है, और बाहर ना क्लाउडी डे हुआ बड़ा, इसकी वजह से दोनों चीज़ें इसको इफेक्ट कर रही हैं। लो भैया 36% पे ब्रेकिंग की है, और मुझे लग रहा है ये सफिशिएंट नहीं होगी। इसको बढ़ा के कर देते हैं 50%। तो मुझे लगा 50% ब्रेकिंग इफेक्टिव रहती है, 70 था। तो भैया गुरमखेड़ी मेन लाइन 1 आ रही है, तैयार हो जाइए, अपना सामान उठा लीजिए जिन पैसेंजर को उतरना है। की स्पीड ये आ चुके हैं हम इस साइड में, और मेन लाइन पे ही हमको रुकना है, देखते हैं कहाँ पे लेके जाता है हमको ये। हिमेश भाई, और चेक डिस्क्रिप्शन, इंडियन ट्रेन सिमुलेटर आइसपैक्स। यार ट्रैक साउंड कितनी जबरदस्त, धगड़ 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 धगड़। यहाँ से देखो इतना क्लाउड्स लग रहे हैं ना बाहर, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स लग रहे हैं। अंधेरा और हो गया बाहर, देखो काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार, ऐसा लग रहा है। देखें इधर जाके, नहीं यार बाहर तो दिन निकला हुआ है। यहाँ मालगाड़ी आ गई, और ये वाला व्यू सेट कर लेते हैं रुकने के लिए।
इस साइड तो मालगाड़ी खड़ी है। उरे तो भैया ये हमारी लेग हो चुकी है पूरी इस व्यू से, और अभी इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा नेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट व्यू कौन सा होता है यार? यहाँ पे मुझे ना आपको स्टेशन स्किप दिखाना था इस लेग में, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज देखें भैया किसका है। सेव हेयर रिज्यूम फ्रॉम हेयर इफ़ एन एरिया एन एनी एरर अकर्स। 7:40 पे डिपार्ट करना है, दो नंबर सेव। ओ तेरी बहुत लंबा स्टॉप है भैया, चलिए बाहर चलते हैं, बाहर से आपको दिखाता हूँ। चलिए ये हम आ गए स्टेशन पे, और ये खड़ी हमारी ट्रेन का यार पिछला हिस्सा है, आगे चलते हैं काम करते हैं। स्टेशन पे अनाउंसमेंट वगैरह कोई है नहीं, ट्रैफिक की बात जरूर सुनाई दे रही है। चलिए ट्रैफिक देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ओ ये बात है। इसके बाद LP एंड ALP ऑफ 22187, दिस इज द स्टेशन मास्टर। आई एम अफ्रेड टू अनाउंस दैट देयर हैज बीन सम मेजर एक्सीडेंट। Fire accident happened just ahead in the line. You need to wait for further instructions. That's why you have been halted here. Okay, जी। तो भैया आपने सुना? Accident हुआ पड़ा है। Shit। हाँ मुझे भी अपने अभी एक friend जो आज tanker train में ALP duty कर रहा है, उसका call आया था। उसके सामने ही हुआ है ये। बोल रहा था कोई तो transformer में आग लग गई है। Let's see आगे क्या होता है। ओ तेरी! इसका मतलब कुछ हमको देखने को मिलेगा आगे। Let's see। तो ये खड़ा वेब सेवन यार, ऐसी खड़ा होता ना, ऐसी आवाज़ आ रही होती, कितना डेंजरस, कितनी पावरफुल मशीन खड़ी है सामने रेडी पूरी, और कितना लोहा खींच के लेके जाएगी साथ में पैसेंजर्स को भी। अल्टीमेट यार इंडियन रेलवे के जो लोकोज है ना, वो अपने आप में ये लोको उल्टा, ये पेंटोग्राफ उल्टा उठा हुआ है, इसको ठीक करें जाके। अब तक ऐसे ही भगा रहे हैं इसको ट्रेन को। तो अभी टाइम हमारे पास है, बंद कर दिया मैंने सब कुछ। फ्रंट वाला उठाओ, वो उठ गया, अब सही है यार। वो लगा स्पार्क, और अभी लिमका को भी खत्म कर देते हैं। ये गर्म हो रही है बहुत ज्यादा। चलिए दोस्तों आपकी चैट पढ़ लेता हूं अभी। इंडियन रेलवे सिमुलेटर स्पेक्स देख रहे हैं कितनी क्या हमारी स्पेक्स हैं कंप्यूटर की, हिमेश डागा, और चेक डिस्क्रिप्शन। इंडियन रेलवे सिमुलेटर एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेक्स और चेक डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आईटी अजी भाई बोल रहे हैं नहीं विंडो भी डार्क है। हाँ विंडो भी डार्क है शायद थोड़ी बहुत। इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई बोल रहे हैं ये क्या है 1T6GB, ये क्या होता है? DDR5 RTX 3050 में नहीं चल रहा, WCR वर्जन 2 लैग कर रहा है। भैया लैग करेगा ये, क्योंकि ये जो हमारा रेलवर्क्स है ना उसमें कमी है, वो इतना ऑप्टिमाइज है नहीं कि हमारे जो हार्डवेयर है आपके, जो इतने बढ़िया बढ़िया आपके ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर रैम लगी हुई है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाए। तो रेलवर्क्स को ऑप्टिमाइज़ होना पड़ेगा पहले इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। आप देखो मेरे सामने, आपके सामने ही है मेरा जो कंप्यूटर, इसमें 17 FPS आ रहे हैं, 18 FPS यहाँ पे खड़े होके। तो ये रूट की प्रॉब्लम नहीं है, रेलवर्क्स की प्रॉब्लम है। हिमेश भाई बोल रहे अरे बाप रे मेरे यहाँ ये जगह चल रही है। अरे यार हम तरस गए हैं भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है ना यहाँ पे, हवा चले ठंडी, तरस रहे हैं सच में लिटरली। अंकित भाई बोल रहे हैं मेरे इंटरनेट माशाल्लाह चल रहा है 480p में भी नहीं चल पा रहा, तेरी। महेश भाई बोल रहे हैं ITIG भाई वाईफाई, ITIG भाई पूछ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज आ रहा है महेश भाई, ITIG भाई इंडियन रेलवे सिमुलेटर के कुछ इशू हैं WCR में। गौतम भाई क्या हाल चाल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच भाइयों, प्लीज़ लाइक कर देना, शुक्रिया होगा आपका, थैंक यू। अंकित भाई बोल रहे हैं ये पूरा सिनेरियो सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा, ये सिनेरियो सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा, ये ट्रेन की स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी कवर्ड है, इन टोटल 5+ आवर्स सिनेरियो। हाँ इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई बोल रहे हैं फिर कैसे प्ले करें WCR वर्जन 2, जैसे मैं कर रहा हूँ
आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। रात का सिनेरियो अगर खेलोगे तो आपको 14 FPS मिलेंगे स्टेशन पे, स्टेशन से बाहर जाओगे थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप दिन का खेलोगे तो दिन पे आपको मिल सकते हैं 20-30 प्लस तक। लेकिन अगर लाइट ऑन है ना, जैसे हमारी हेडलाइट ऑन है, तो आपको FPS कम ही मिलेंगे। वो रेलवर्क्स का प्रॉब्लम है। अंकित भाई बोल रहे हैं ITIG, हाँ ब्रो इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई भाई बोल रहे हैं गेम प्लेस। ITIG भाई बोल रहे हैं अंकित भाई रैंडम इवेंट्स भी डाल रखा है उनके सिनेरियो में। फ्लाइट डेली भाई बोल रहे हैं, अरे यार चैट फिर निकल गई इतनी आगे, रुको रुको। ITIG भाई हाँ ब्रो, इसके बाद अंकित भाई रैंडम इवेंट्स भी डाल रखा है उनके सिनेरियो में। फ्लाइट डेली भाई बोल रहे हैं इंडियन रेलवे और उनकी ट्रैक साउंड जबरदस्त। एयरियल से अंकित भाई बोल रहे हैं मस्ट ट्रेन से उतर कर स्टेशन प्लेटफॉर्म में बैठ जाओ आराम से। ITIG भाई हाँ ब्रो, कुछ ना कुछ इवेंट्स तो होना ही चाहिए तभी मज़ा आता है। ITIG भाई बिल्कुल, आई एम गेटिंग 8 FPS। तो आपका जो ग्राफिक कार्ड, आप अपनी पूरी स्पेसिफिकेशन दोबारा बताओ, क्या कुछ है आपके पास, क्या प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कितना ग्राफिक कार्ड है? राइजन 7 6800H। लैपटॉप पे खेलते हो क्या? नहीं, वो यू होता है ना लैपटॉप का मेरे ख्याल से प्रोसेसर। इंडियन इंस्पेक्ट्स एरिया ऑफ द रूट, इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द रूट। राइजन 7 भैया, जिनको राइजन की नॉलेज है आप वो बताइए कि 6800H कैसा प्रोसेसर है। अच्छा, डिपार्चर करने से पहले भी सेव कर लें, ठीक है। सारा पिया मैं लिमका को, एक भी बूंद नहीं छोड़ी मैंने। यहाँ पे भी सेव कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं भाइयों, यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो एक काम करते हैं। ओह ये क्या, अच्छा ट्रैफिक चल रहा है, तो एक बार उधर देखते हैं कितने ट्रैक हैं। और ये दूसरा ट्रैक भी ऑक्यूपाइड है भैया, मालगाड़ी की भी ने खड़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार हमारी ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो लोको है वो इटारसी शेड का है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आता है। WAP जिसको हम वैप बोलते हैं, वैप 7 हमारा लोको है। 30201 इसका रोड नंबर है। सामने से आगे खतरनाक लुक, अग्रेसिव लुक, पावरफुल लुक, ज़बरदस्त। जय हो इंडियन रेलवे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम गुरमखेड़ी में, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। अरे यार कितनी बढ़िया जगह बना रखी है हमने, यार हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। देखो कितनी छांव है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है, शटर लगा हुआ है, नो इश्यूज़, बहुत बढ़िया मज़ेदार व्यू हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक काम करते हैं हम जाके ना यहाँ से लिमका एक और लेते हैं, चिप्स वगैरह ले लेते हैं। और भैया एक लिमका नहीं, एक नहीं, पूरी गाड़ी के लिए लिमका दे दो, और पूरी गाड़ी के लिए चिप्स और कोल्ड कॉफ़ी अगर है तो वो भी बांध दो, तो सप्लाई कर देना। तो हमने अपना ले लिया भैया खाना पीना, तो हम यहाँ पे बैठ के व्यू को एंजॉय करेंगे और चिप्स कोल्ड ड्रिंक को का मज़ा लेंगे, ठीक है। तो ये वाला व्यू मैं सेट कर देता हूँ, अगर कोई ट्रेन आएगी तो हमको पता चल जाएगा, दिख जाएगी। और अभी आपकी चैट पढ़ लेता हूँ। ITIG भाई बोल रहे हैं इन स्पेसिफिक एरियाज, अंकित भाई बोल रहे स्टेशन में डिपार्चर, अच्छा ये हो गया। ITIG भाई बोल रहे हैं और ओनली इन स्पेसिफिक सिनेरियोस, इंडियन रेलवे सिमुलेटर, 16 GB रैम DDR5 RTX 3050, 4 GB DDR6, 1 TB SSD Gen 4, AMD Ryzen 7। भैया आपकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, और या तो आपने मेरे ख्याल से अपनी जो सेटिंग है ना, सेटिंग फुल कर रखी है शायद, तो सेटिंग को थोड़ा सा कम करके देखो ट्रेन सिमुलेटर की, तो उसके बाद आपके FPS इंप्रूव होंगे। क्योंकि मैं भी फुल सेटिंग के ऊपर नहीं खेलता हूँ, मैं भी सेटिंग को थोड़ा सा कम करके खेलता हूँ। इट हैज़ 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। आपका सब कुछ बढ़िया लग रहा है भैया, लेकिन चक्कर ये है कि आपकी सेटिंग आपने मुझे लग रहा है फुल कर रखी है शायद, सेटिंग्स को थोड़ा सा कम करो। बाकी अगर आप मेरी सेटिंग देखना चाहते हो तो मैं लाइव स्ट्रीम के एंड में दिखा दूंगा, आप मुझे याद करवा देना कि सेटिंग दिखा दो। प्रीतम भाई भी बोल रहे हैं 6800H इज लैपटॉप 8 कोर 16 थ्रेड। मेश भाई बोल रहे हैं वन डाउट सम मी व्हाट इज कोर्स एंड थ्रेड्स इन ए प्रोसेसर। इसके बाद होता है भैया ITIG भाई बोल रहे हैं इंडियन रेलवे सिमुलेटर में भी हीटिंग इशू। एयरियल सिंह भाई बोल रहे हैं लिमका लेकर लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, बिल्कुल पूरी ट्रेन के लिए। हिमेश भाई फ्रॉम मी। प्रीतम भाई बोल रहे हैं मतलब एक ट्रेन पूरी लिमका सप्लाई हो रही है देखो स्टेशन से,
ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं होगा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। प्रीतम भाई बोले इंडियन रेल भाई लैपटॉप में MUX स्विच है, इट्स अंडर 65 डिग्री टेम्परेचर। इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई, प्रीतम भाई ने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, कोई MUX स्विच होता है वो है क्या उसमें? कृतिक भाई बोल रहे हैं क्या खाया कुरकुरे, लिम्का कृतिक भाई, हिमेश भाई बोल रहे हैं, आइटिया जी भाई बोल रहे हैं डार्क फैंटेसी ओरियो, अंकित भाई बोल रहे हैं सर जी एक काम करो ऑप्शन में जाकर एम्बिएंट लाइट्स को हल्का बढ़ा दो, वो बोल रहे हैं MUX स्विच है, इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार जाके ऑप्शंस कौन सा था, एम्बिएंट लाइट इंटेंसिटी, लाइट चली गई अभी है मेरे पास, इतना ठीक रहेगा, इतना बैक कंटिन्यू। देखो दोस्तों क्लाउड्स भाग रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, ये देखो, और टाइम हो रहा है 7:35, हमको यहां से निकलना है, पता है कितने बजे? 40 पे निकलना है, इसके बाद हमारा एक स्टॉप हो रहा है और उसके बाद हमारा ये डेस्टिनेशन है जो कि यहाँ से 27.70 किलोमीटर बाकी है। सुहागपुर कितना है यहाँ से? 9.88 किलोमीटर। तो मैं दोस्तों अभी स्टेशन स्किप आपको दिखाया नहीं था मैंने, तो मैं कोशिश करूँगा आगे स्टेशन स्किप दिखाने की फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। इसके बाद इंडियन रेलवे सिमेटर भाई बोल रहे हैं बाकी रूट में हाई सेटिंग्स पर 60 FPS मिल जाता है, एयरएल सिम अभी सेव कर लो। ठीक है जी, पता है क्या बाकी, दिस इज द गार्ड ऑफ द ट्रेन, प्लीज आपको अभी नेक्स्ट स्टेशन तक 60 KMPH स्पीड से ही ड्राइव करना है, ओवर। ठीक है जी, सेव। अभी पड़े हैं भैया 3.5 मिनट। एक्चुअली ना WCR रूट वैसे काफी सारे इसमें एसेट्स होते हैं, आप देखो स्काई आपको किसी दूसरे रूट में ऐसा मिलेगा नहीं, तो ये काफी एनहांस वर्जन है यार। यहाँ पे ट्रेन निकल रही है, दिखाई नहीं दे रही मेरे को, ये देखो यहाँ से दिखाई दे रही है, बारिश देखो कितनी आ रही है, अब दिखाई दी है, ये बड़ा यार इसमें ग्लिच है यार, ये भी देखो रेलवे का ग्लिच है, आपको पहले ट्रेन दिख नहीं रही थी और अब दिखाई दे रही है, हम वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं और निकल गई। तो चलिए एक ट्रेन का पास हो गया। तो WCR रूट में ना आपको एसेट्स बहुत मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसके FPS दूसरे रूट्स के मुकाबले कम ही रहते हैं थोड़े से, लेकिन एक बात है कि रेलवर्क्स अगर ऑप्टिमाइज़ कर देना रेलवर्क्स को, तो ये सारी की सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगी। पता नहीं यार रेलवर्क्स वाले क्यों मतलब बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं कि हाँ यार उनका काम चल रहा है, रेलवर्क्स बिक रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, इंडिया वाले इतने सेंटी हैं इंडियन रेलवे के लिए कि हमारी हमारे सिमेटर को लेके बस जैसे तैसे करके वो खेल रहे हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल होती है ना कि यार बिल्कुल बेशर्मी उस टाइप से कर रखा है उन लोगों ने। थोड़ा सा चाहिए और उनको ये कि इनको इसको ऑप्टिमाइज़ करो यार, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी रशिया ने भी रॉकेट रॉकेट छोड़ दिया और यार ये रेलवर्क्स वाले वहीं के वहीं बैठे हैं इतने सालों से। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज है, कृति भाई बोल रहा है इट्स मोसा नाउ, आटिया जी भाई बोल रहे हैं इट इज़ ओनली इन स्पेसिफिक सिनेरियोज, कृतिक वर्मा भाई ओपनिंग समोसा, ओपनिंग समोसा, अरे वाह, इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई होल WCR रूट में 80 FPS टू 13 FPS आता है, आपको सेटिंग कम करनी पड़ेगी अगर आप WCR खेलते हो ना, तो सेटिंग्स को कम करके खेलो। आप एक बार मेरी सेटिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप वीडियो को पॉज करके रखना, अपनी सेटिंग उसके हिसाब से कर लेना, तो उसका क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगर डिफरेंस है तो उसको आप एडजस्ट कर लो और उसके बाद रीचेक करो और खेल के ना दोबारा बता देना हमको अगली लाइव स्ट्रीम में या जैसे भी कि क्या कोई इफेक्ट पड़ा मेरे वाली सेटिंग करने के बाद। पिक्चर शेयर करूंगा, ठीक है। फ्राइड अली भाई बोल रहे हैं पर असली मज़ा तो वो चाय कॉफ़ी वाली आवाज़ में है, चाय कॉफ़ी वाली आवाज़ में है, चाय कॉफिया मतलब जो चाय चाय बोलते हैं स्टेशन पे, वो बोल रहे हो आप। इसके बाद अंकित भाई बोल रहे हैं बट बहुत हैवी रूट है ये। इसके बाद केला वर्जन 1 स्मूथली चल रहा है हाई सेटिंग्स पे, वो आपकी बात मैं मानता हूँ वो चलेगा, क्योंकि वो दूसरे रूट इतने ज़्यादा ना एसेट्स के साथ भरे हुए नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा फंक्शन मिलते नहीं है, वो सुंदर हैं नो डाउट, दूसरे रूट भी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, ग्रीनरी सीनरी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ आपको एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, उसकी वजह से रूट थोड़ा सा हैवी हो जाता है दूसरों के मुकाबले। ITIG भाई बोल रहे हैं मे बी योर सेटिंग्स फ्लाई डेली भाई, वो 12 GB ग्राफिक कार्ड तक मैं FPS ड्रॉप
एंड स्ट्रक्टर होता है मेरे में तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो रेलवर्क्स है ये ऑप्टिमाइज ही नहीं है, क्या करेंगे। तो भैया एक काम करते हैं, आपको वो वाला व्यू दिखाता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था पहले, पता है कौन सा? नहीं नहीं ये वाला, सीढ़ियों पे बैठ के डिपार्चर देखेंगे आज। तो यार हमको स्पीड लिमिट कितनी दी गई थी? 50 की। अंकित भाई थोड़ा सा लिख के बताना कितनी स्पीड थी हमारी, 50 या 60 या 70? यार मैं भूल गया, इंडियन रेलवे सिमुलेटर भाई बोल रहे हैं हाई लो मीडियम में सेम एफपीएस आते हैं। यार ए बाप रे ये तो गड़बड़ है। कृति भाई बोल रहे हैं फ्लाई डेली तुम ट्रेन से भी खेलते हो क्या? अंकित भाई बोल रहे हैं डबल सी रूट में मेरे मैक्स एफपीएस 30 भी आते हैं, आ जाते हैं। अभी आप देखो अभी 27 एफपीएस आ रहे हैं मेरे को, 26 27, स्टेशन अभी है, स्टेशन से निकलेंगे तो 30 प्लस हो जाएंगे ये। इसके बाद हाँ राहुल भाई चाय कॉफ़ी वेंडर ट्रेन में, हाँ चाय 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 कड़क चाय लेमन चाय बहुत सही लगते हैं वो। आईटीआईजी भाई बोल रहे हैं अंकित भाई सेम, कृतिक भाई बोल रहे हैं चलो समोसा ईटिंग ब्रेक ले रहा हूँ विंडो सीट पे बैठ के खाऊंगा, कोई डिस्टर्ब मत करना फिर बात करूँगा। ओके फ्लाइट डेली भाई बोल रहे हैं हाँ राहुल भाई चाय कॉफ़ी वेंडर ट्रेन में। इसके बाद अंकित भाई बोल रहे हैं आपका लाइन क्लियर हुआ कि नहीं एक बार चेक करना, नहीं मिलेगा डिपार्चर टाइम तक तो फिर वापस रिज्यूम करना पड़ेगा। अरे बाप रे ये भी है क्या? लाइन तो क्लियर है, अगर कोई यहाँ पे एक्शन होगा तो बता देना। इसके बाद है अंकित भाई आपका मैसेज लीट हो गया, इंडियन रेस्टोरेंटर आपका तो बहुत स्मूथली चल रहा है, मज़ा आ गया। रेल से भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दोस्तों को रखनी है, इंडियन रेलवे सिमेटर भाई बिकॉज ऑफ योर 32 GB रैम। नहीं एक्चुअली मेरे पास जब मैं साउथ अफ्रीका में था ना तो वहाँ पे मैं 16 GB रैम यूज़ करता था तो भी यही चलता था, लेकिन हो सकता है कि रैम की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता हो, देखते हैं। अभी देखो 30 31 32, 30 और 32 के बीच में घूम रहा है FPS। इसके बाद ITIG भाई बोल रहे हैं आप रिकॉर्डिंग के टाइम बता रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग का टाइम बता रहे हो क्या? फ्लाइट अली भाई हाँ, कृतिक भाई अभी अभी रेल बक्स, कभी कभी रेल बक्स। अंकित भाई बोल रहे हैं हाँ है एक्शन मिलेगा अभी आगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोको में चलते हैं क्योंकि हमको एक्शन देखना है और बाहर का व्यू भी, अरे यार एक तो ना ये उल्टा हो गया अभी सब कुछ, तो ये व्यू रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमको शायद कुछ देखने को मिले, तो ये वाले व्यू से देखते हैं। स्पीड हमारी हो गई 60 की, तो थ्रोटल में कर रहा हूँ आराम से 16%, स्पीड बढ़ रही है कम करते हैं 12%। स्लेब भाई क्या हाल चाल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। अंकित भाई बोल रहे हैं मेरे पास भी 16 GB है, 16 GB में चल जाता है यार, इतने FPS आते हैं सेम ही आते हैं मेरे ख्याल से। इसके बाद आता है भैया फ्राइडे भाई बोल रहे हैं रेलवर्क्स में रैम उतना नहीं यूज़ होती जितना MSFS में यूज़ होती है। अंकित भाई डोर व्यू से देखो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा रियल लाइफ जैसे, तो डोर व्यू में आ जाते हैं भैया। तो कौन से साइड में रहे, लेफ्ट के राइट कौन से साइड में रहे, ये क्या गया था? अंकित भाई कौन सी साइड खड़े हो? इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है अंकित भाई का डोर व्यू से देखो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा रियल लाइफ जैसे, कृतिक भाई बोल रहे हैं नेक्स्ट हांगकांग ना फ्लाइट, हांगकांग हाँ हांगकांग वाली फ्लाइट है, ईटिंग समोसा पोटिंग बिटवीन ब्रेड्स। अरे वाह
अंकित भाई अभी आ गया क्या? राइट में आएगा। अच्छा राइट में आएगा, तो राइट में चलना पड़ेगा भैया। लाइट चली गई है कि आ गई है मेरी? 60 की स्पीड 200 मेंटेन कर रहे हैं और लाइट चली गई है भैया। आ गई थी, दोबारा चली गई। राइट में आएगा तो भैया मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, अभी आने वाला है टैक्सी। अभी सुहागपुर है जो 6 किलोमीटर रह गया। आपको बताऊं इस साल के स्टार्टिंग में हमारे 4000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसके बाद एक महीने पता नहीं 1.5 महीने हमारे 100 वो आ गया शायद, आ गए हमारे 100 सब्सक्राइबर आ गए। और पिछले 5 महीने हो गए देखो, उसके बाद 5-6 महीने हो गए, वो अगले जो 100 थे ना 100-125 आए हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहे थे। ओह आग लगी हुई है भैया यहाँ पे, ट्रांसफार्मर को आग लगी हुई है देखो। ओहो बड़ा खतरनाक व्यू है यार, बहुत सेक लग रहा था मेरे को तो, डोर में खड़े हो यहाँ से भी सेक आ रहा था। ये गाड़ी इसको भी रोका गया है यहाँ पे। ये कौन सी गाड़ी रुकी हुई है वैसे? रेस्क्यू सर्विस। अच्छा रेस्क्यू सर्विस की गाड़ी है जो रुकी हुई है। बड़ा खतरनाक काम, बहुत भयानक मंजर था भैया, आग इतनी खतरनाक लगी हुई थी। कृतिक भाई बोल रहे हैं समोसा इज वेरी टेस्टी, सब ले लो खिला दो भैया। अगली MSF स्लाइस टीम सोलो में या मल्टी व्हाट्सएप फ्लाइट अली भाई, एक्चुअली जो अगली लाइव स्ट्रीम है ना उसके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कल मैं सुबह 6 बजे जा रहा हूँ बाहर दोबारा, और रात को आऊँगा लेट, तो कल लाइव स्ट्रीम होगी नहीं। और परसों की जो लाइव स्ट्रीम है ना वो अपनी मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो वर्ल्ड टूर की फ़्लाइट है वो करें। क्या टाइम रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीप्लेयर कर लें। आई विल ट्राई, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता, वो देखेंगे। ITIG भाई और भैया हमारा 4.25 किलोमीटर आ गया सुहागपुर, तो चलिए सुहागपुर की एंट्री मारेंगे हम कैब से, नहीं सॉरी जो बैठने वाला व्यू है ना वहाँ से। वो आया देखो आग, अभी मेरे को आग अब दिखाई दे रही है। भाई हो प्लीज़ लाइक कर देना अगर नहीं किया अभी तक, आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट करो, मल्टीप्लेयर करो ठीक है कृतिक भाई, मल्टीप्लेयर। और फ्लाइट अली भाई आप भी ज्वाइन करोगे? लेकिन भाइयों जो नए पायलट्स हैं ना उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्लाई करोगे ना तो कई बार ऐसे होता है कि आप कहते हो कि यार मुझे काम है मुझे बीच में जाना पड़ेगा, तो ये हमारे कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो और मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो कि आपको पूरी की पूरी जो फ़्लाइट है वो करनी पड़ेगी, तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो आपको डाउट है कि आप पूरी फ़्लाइट नहीं कर पाओगे, तो इससे बेटर आप ज्वाइन मत करो। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ पूरी फ़्लाइट करो। आपको पता है वर्ल्ड टूर की फ़्लाइट 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट है, जापान से हांगकॉन्ग की जो फ़्लाइट है वो, तो अगर आपको लगता है कि आप पूरी कर सकते हो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते प्लीज़ डोंट स्टार्ट, बिकॉज उससे पता क्या होता है, आपने अगर पुरानी लाइव स्ट्रीम देखी है ना हमारी, उसमें हम क्या होता है कि 3-4 जो पायलट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं साथ में और साथ में ही लैंड करते हैं, तो पूरे का पूरा एक माहौल बन जाता है, तो अगर आप बीच में छोड़ते हो ना वो माहौल ब्रेक हो जाता है। इसलिए बेटर कि आप नहीं पूरी कर सकते तो आप अगली फ्लाइट कर लेना उसको छोड़ के। बिल्कुल भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, कृतिक भाई बोल रहे हैं, फ्लाइट अली भाई बोल रहे हैं 1 साल से फ्लाई कर रहा 500+ फ्लाइंग आवर्स। नहीं 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 वो आपकी बात नहीं कर रहा, वो हमारा जो ग्रुप फ्लाइट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। फ्लाइट अली भाई आप तो फ्लाई कर रहे हो, आपको फ्लाइंग आती है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लेयर में फ्लाई कर रहे हो ना तो साथ ही टेक ऑफ करेंगे और साथ ही लैंड करेंगे, जितने पायलट जा रहे हैं उतने ही अगले डेस्टिनेशन पे लैंड होने चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको बात कहनी चाह रहा हूँ। 1.25 किलोमीटर रह गया दोस्तों, तो थ्रोटल मैं कर रहा हूँ, आइडल तो करने की भी जरूरत है नहीं यार मेरे ख्याल से, लेकिन हम जो अपना कोच है ना उसमें चलते हैं जो आपको सिटिंग वाला व्यू दिखाना है, तो यहाँ से देखेंगे अराइवल।
यार ये फूल देखो कितने अच्छे लगे, फूल हैं या क्या, रेड रेड से कितने बढ़िया लग रहे हैं। चलिए भाई थ्रोटल आइडल और 61 120, सीरियस कृतिक भाई बोल रहे हैं। ब्रेकिंग इसके फ्लाइट अली भाई, फिर भी शायद एक या दो मिनट का क्या गैप रखेंगे लैंडिंग। हाँ वो तो जो गैप होता है वो तो वही होता है कि अगर आपका हैवी एयरक्राफ्ट है तो उस 3-4 मिनट का गैप रखते हैं उसमें, अगर आपका अगर कैटेगरी सी का एयरक्राफ्ट है तो उसमें हम जो भी होता है 1-2 मिनट का जो भी गैप रखना चाहते हैं 2 मिनट का वो रखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं वेट सिम ना करके, प्रीतम भाई आप ज्वाइन कर पाओगे मल्टीप्लेयर को, नॉट वेट सिम, उसमें क्या होता है मैं आपकी टेक ऑफ लैंडिंग आपको दिखा सकता हूँ प्रॉपरली, और अगर वेट सिम है ना तो वेट सिम में वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो नहीं पाती। 580 मीटर भैया रहता है स्पीड हमारी, बिल्कुल सही चल रही है, नो इश्यूज इन स्पीड, ट्रैक चेंज। वैग 9 खड़ा है भैया यहाँ पे पार्सल ट्रेन के साथ, और यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आते हुए, बढ़िया हो गया ये टाइमली हमने देख लिया, प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बैठ के एंटर कर रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं। ये लो सुहागपुर आ गया भैया, क्या मज़े हैं इस पैसेंजर के, आराम से बैठा सीढ़ियों में। ओह मेंदू वड़ा भी लाई मम्मी, अरे वाह, सो नाउ वेटिंग मेंदू वड़ा आफ्टर समोसा। प्रतीश भाई भी शायद आ जाएं, ही स्टार्ट्स प्लेइंग। अच्छा क्या जबरदस्त अराइवल हो रहा है यार, सुहागपुर प्लेटफॉर्म के नीचे ही रुकेंगे हम मेरे ख्याल से, और हमारा जो टाइम है टाइम भी किलर टाइम आ गया हमारा, बहुत बढ़िया टाइमिंग हुई है। रेल आहार वेरी नाइस, बहुत बढ़िया नाइस, 7:52 पे अराइवल हो गया, 7:53 का टाइम था, सुहागपुर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा अगला स्टेशन पिपरिया, जो के है हमारा आज के सिनेरियो का आखिरी पड़ाव। इसके बाद फिर भी शायद, हाँ ये हो गया कृतिक भाई है, अच्छा डिपार्चर 8 बजे पूरे, 7 मिनट का होल्ट है भैया, तो एक काम करते हैं अगर बैठना ही है तो इधर बैठते हैं, अगर अरे यार हम सफ़र खड़ी है ये शायद डिपार्चर करेगी शायद। फ्लाइट अली भाई बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए प्रोसीजर रहेगा डिस्कॉर्ड वॉइस या कुछ और, एक्चुअली अपनी जो फ्लाइट है ना जो भी LP of 22187, दिस इज द स्टेशन मास्टर, यू विल गेट द लाइन क्लियरेंस आफ्टर 22913 हमसफर एक्सप्रेस। ये लो भैया ये निकलेगी, उसके बाद हमको लाइन क्लियर मिलेगी। अरे इसके LP तो विजय चौहान है। अरे हेलो सर जी, क्या हाल चाल? ये लो हेलो ALP तो देख ही नहीं रहे इधर, आज हम सफर एक्सप्रेस मिला है तो देखेंगे भी नहीं हम ये। ओ तेरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इनको करते हैं हम ओवरटेक आगे। चलो देखा क्या चल रही है मजाक मस्ती, आ गए हो आपने आखिर में सुना, इनको करते हैं हम ओवरटेक आगे, तो इसका मतलब आगे हम इनको ओवरटेक करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो मुझे पता नहीं, लगता तो यही है 90%। फ्लाइट अली भाई एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, जब सपोज करो मैंने लाइव स्ट्रीम सेट कर दी और उसमें टाइम लिखा हुआ है सपोज करो 11 बजे का, तो आप 11 बजे से पहले अपना पूरा स्पॉन हो जाना, जो भी आपका गेट रहेगा वहाँ पर स्पॉन कर लेना, ठीक है। बाकी हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं हमारे डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर, प्रीतम भाई हैं कृतिक भाई हैं तो ये भी फ्लाई करते हैं साथ में, प्रीतिश भाई हैं, तो आप जनरल में मैसेज डाल देना कि क्या रहने वाला है, कौन सा टर्मिनल कहाँ पे क्या ना स्पॉन करना है, अगर कोई ऐसा कन्फ्यूज़न वाली बात होगी तो कुछ भी होता आप जनरल में पूछ सकते हो, तो कृतिक भाई प्रीतिश भाई ये प्रीतम भाई ये अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर अगर कुछ भी पूछना होगा। लेकिन बात यह है कि जब हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे ना
तो आप रेडी रहना स्पॉन होके। जो कोल्ड एंड डार्क का स्टार्टअप प्रोसीजर है वो तो हम करेंगे बाद में, लेकिन आप स्पॉन कर लेना और चार पांच फ्लाइट करके देखते हैं। अगर हमारा अच्छी बैठ गई सारी की सारी मल्टीप्लेयर फ्लाइट, तो आपको फिर एक्सेस दे दूंगा मैं पायलट्स लॉन्च का। तो पायलट्स लॉन्च में हम जो हमारा फ्लाइट प्लान है वो भी शेयर करते हैं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और बाकी अगर कोई बातचीत होती है तो पायलट्स लॉन्च में हम एक दूसरे के साथ वॉइस चैनल पे आके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप जनरल में पूछ लेना। इसके बाद कृतिक भाई मजाक कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भाई यू हैव टू साइन। प्रीतम भाई बोल रहे हैं मल्टीप्लेयर बहुत एफपीएस खाता है। कृतिक भाई देन ओनली वैट सिम करनी पड़ेगी हमको फिर फ्लाइट, ठीक है वैट सिम कर लेंगे, ठीक कोई बात नहीं। वंस यू साइन अप योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर 1 वीक यू विल नो रिजल्ट। सो फनी। फ्लाइट अली भाई बोल रहे हैं ओके भाई अंडरस्टूड। ओके जी प्रीतम भाई बोल रहे हैं वैट सिम खेलो भाई लोग। चलो ठीक है वैट सिम करेंगे, नो इश्यूज़। 7:55, 4 मिनट बाकी हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है पिपरिया, जो कि यहाँ से 17.89 किलोमीटर दूर। अब जो टाइम हो गया कितना हो गया यार, 9:30 हो गया। मैं नीचे बोल के आया था पहले स्टार्ट करने से पहले कि 9:30 तक मैं आऊँगा, लेकिन हमारी जो स्ट्रीम है वो भी 20 मिनट और चलने वाली है, 20 से 25 मिनट। 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है कोशिश। भैया लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है हमारी कोशिश हमारे कंटेंट। ये लो निकल गई है हमारी ट्रेन। यार इसकी साउंड क्यों नहीं आ रही, बड़ी शांतमय तरीके से जा रही है ये। अब आई है हल्की साउंड। 57 हो चुके हैं और 3 मिनट से कम टाइम बाकी है, 2.5 मिनट के करीब हमारे पास हैं। इतने में निकल जाएगी गाड़ी काफ़ी आगे और हमको मिल जाएगा डिपार्चर। बाय बाय। तो भैया अराइवल हमारा हो चुका है इसी व्यू से। एक काम करते हैं अभी जो व्यू की बारी आती है ना, इसमें एसी कोच तो लगा नहीं हुआ। बाय बाय। एसी कोच इसमें है नहीं है, बाकी हमने व्यू दिखा दिए तो मुझे लग रहा है हमको, अरे वाइपर ख़राब करने हैं क्या। हम यहीं से देखते हैं भैया अगली आगे की। 8 बज गए हैं तो एक काम करते हैं, कैबलेट को बंद कर देते हैं। हो जा। चलिए इसके बाद वैट सिम हो गया, अब मल्टीप्लेयर से टिपिकल फनी कन्वर्सेशन ELP और लोको पायलट की आई थिंक आप कह रहे हो। फ्लाई डेली मल्टीप्लेयर में कोई भी कैसे भी लैंड करता है, नो कम्युनिकेशन नो कोऑर्डिनेशन एंड कोई कोई जानबूझ के सॉफ्टेज भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लेयर में हमने काफ़ी पहले देखा था कि आप टैक्सी कर रहे हो आपके आगे कोई आ जाता है, आप टेक ऑफ करने वाले वाले हो आपके आगे कोई आ जाता है, एकदम से स्पॉन कर लेते हैं, तो काफ़ी पंगे लेते थे बंदे। तो फिर हमने ग्रुप फ्लाइट करनी शुरू कर दी कि आपको MSFS में जो ग्रुप होता है ना वो ज्वाइन करना पड़ता है, तो आप ग्रुप फ्लाइट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद सोचा कि यार वैट सिम ज़्यादा बढ़िया है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको ATC मिल जाए या फिर आपस में जो कम्युनिकेशन होता है तो उससे थोड़ी सी रियलिज्म बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि वैट सिम ही ठीक है, वैट सिम में नो नॉनसेंस फ्लाइंग, प्रीतम भाई बोल रहे हैं। तो ये चक्कर है। तो 1 मिनट रह गया, असिस्टेंट लोको पायलट जी चलाएंगे अभी गाड़ी यहाँ से। तो सीट हमने कर ली चेंज, सोहागपुर स्टेशन पे खड़े हैं, निकलने वाले हैं इन 38 सेकेंड्स। 7:06। कृति भाई बोल रहे हैं मुझे मल्टीप्लेयर की वजह से टिकैस आया तो गो अराउंड करना पड़ा। हाँ बहुत चक्कर पड़ता है उसमें यार, ब्रेक हटा दिया हमने, सुइयां यहाँ पे सब कुछ सही बता रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑल गुड।
येलो सिग्नल। यार मैंने आपको वो नहीं दिखाया ना, अभी स्टेशन स्किप नहीं दिखाया, वो देखते हैं। चलो थ्रस्ट थ्रोटल सेट, थ्रस्ट नहीं थ्रोटल सेट। अभी MSFS का थ्रस्ट ही याद आ रहा है यार, कितने बढ़िया हुए OHE लगे हुए हैं। 35 की स्पीड मीटर है और बढ़िया डिपार्चर। इसके बाद कुछ बेकार लोग मल्टीप्लेयर ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्लाइट डेली भाई वैटसी में लाइव ट्रैफिक एंड वेदर या कस्टम सब कुछ नहीं, आप जैसे मर्जी खेलो, आपका कोई वो नहीं है, आप जो भी जैसे भी खेलना चाहते हो वो सेट कर लेना, लेकिन मैं जो टाइम होता है वो कस्टम रखता हूँ और वेदर लाइव रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम कभी फ्लाई करते हैं ना, अगर रात की फ़्लाइट होती है तो रात को बाहर देखने को कुछ होता नहीं है, तो व्यूअर ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते हैं उसको। अगर छोटी फ़्लाइट है ना, जैसे हमने जयपुर से दिल्ली कर ली, तो टेक ऑफ किया, लैंड कर लिया, चाहे रात की फ़्लाइट है, तो उसमें हमको रात का जो व्यू होता है जयपुर का या दिल्ली का वो देखने को मिलेगा, बढ़िया है। लेकिन अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट है ना, तो वो 2-3 घंटे बिल्कुल अंधेरे में फ्लाई करते रहो, कुछ दिख नहीं रहा, तो वो चीज़ें ना व्यूअर्स को मज़ा नहीं आता इतना देख के। इसकी वजह से जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट होती है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि डे टाइम की रखूँ, तो मैं टाइम कस्टम रखूँगा, वेदर लाइव रखूँगा, वैटसिम पे फ्लाई करेंगे। स्पीड हमारी हो गई है भैया सही। फॉलोइंग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। इसके बाद प्रीतम भाई बोल रहे फ्लाई डेली मेक अ वैटसिम अकाउंट एंड ज्वाइन अस। कम्युनिकेशन में आई विल हेल्प यू। तो प्रीतम भाई आपको बताऊं, ही इज़ सर्टिफाइड ATC एंड वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट ऑन वैटसिम। इसके बाद कृतिक भाई बोल रहे हैं दे डोंट फॉलो रूल्स एंड इंट्रूडर रनवे वेन लैंडिंग, बिल्कुल सही बात। तो भैया स्पीड हमने खींच दिया, अभी 60% थ्रोटल कर दिया, स्पीड हमारी बढ़िया रहेगी, 72% कर दिया थ्रोटल। एल्को जी हमारे चला रहे हैं, ALP चला रहे हैं, ALP चला रहे हैं हमारी ट्रेन को, और यही वहाँ पे तक पहुँचाएंगे गंतव्य तक। लेकिन दोस्तों जो अराइवल होगा वो आपको मैं प्लेटफॉर्म से दिखाऊंगा, अभी मैं देख लेता हूँ मैप से, अगर आगे कोई स्टेशन आ रहा है ना तो फिर मैं आपको एक स्टेशन स्किप दिखाऊंगा। गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही है भैया, और ये स्टेशन आ रहा है, ये आपको दिखाऊंगा स्टेशन स्किप। इसके बाद आता है भैया, कृतिक भाई बोल रहे दे डोंट फॉलो रूल्स एंड इंट्रूडर रनवे देन प्रीतम। अब आपको क्लियरेंस मिल गई है मेन लाइन स्पीड की, अब आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं एंड अदर स्पीड लिमिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, ओवर। प्रीतम भाई बोल रहे फ्लाइट डेली व्हेन फ्लाइंग ओशियनिक सब कुछ लाइव, हाँ तब लाइव करना पड़ेगा। प्रीतम भाई बोल रहे हैं लाइव ट्रैफिक ऑफ इन वैटसिम, हाँ जो सेटिंग है ना फ्लाइट डेली भाई, अगर आपने वैटसिम पे साथ में फ्लाई करोगे तो जितनी भी सेटिंग रहेंगी ना, फ्लाइट स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा हूँ मेन मेन्यू में, तो वो आप डिस्कस कर लेना जनरल उसमें चैट में, प्रीतम भाई आपकी हेल्प कर देंगे कौन कौन सी सेटिंग को ऑन रखना है, कौन कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी है। तो 33% मैंने कर दिया दोस्तों सेट, बढ़िया ट्रेन हमारी चल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कोई बाहर का रूट लग रहा है मेरे को, तो ये अभी ज़बरदस्त व्यू दिखाई दे रहा है। क्या जबरदस्त रूट है यार, बहुत बढ़िया। अभी देखिए ट्रेन हमारी यहाँ पहुँच गई है, स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर ही है, 1, 2, 3, 4 1, 2 जो सिग्नल है वो क्रॉस करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेशन पे लेके जाऊंगा, स्टेशन से हमारी ट्रेन को स्किप करते हुए आपको दिखाऊंगा। इसके बाद फ्लाइट डेली भाई का मैसेज मसल मेमोरी में थ्रोटल बैठ गया है, बिल्कुल
राइट आई हैव एवरीथिंग कृतिक भाई बैट सेम अकाउंट ऑल्सो जस्ट नीड इन्फॉर्मेशन। ये अंकित भाई बोल रहे हैं अरे ये ट्रेन सिम की लाइव स्ट्रीम अचानक से फ्लाइट सिम कैसे हो गई? रूट तो ज़बरदस्त है बिल्कुल, और यहाँ पे FPS भी देखो यार 27 26 से लेके 28 के बीच में आ रहे हैं, जबरदस्त। चलिए इसके बाद जो सेकंड सिग्नल आएगा ना उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा स्टेशन। बैटसी में 3800 आवर्स बस 200 घंटे चाहिए अब। प्रीतम भाई के 3800 घंटे हो चुके हैं बैटसिम में, 4000 घंटे होने में 200 घंटे बाकी। व्हाट आ अचीवमेंट। मेरे आज तक टोटल क्या नाम होता है जो MSFS है उसमें नहीं हुए इतने घंटे तो, और उनके सिर्फ बैटसिम पे इतने हैं। वाह। तो भैया चलिए टाइम आता है चलने का, मैं आपको लेके चलूँगा स्टेशन पर और वहाँ से आपको अपनी ही ट्रेन का स्टेशन स्किप दिखाऊँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे यार ये बढ़िया लग रहा है व्यू। ओह यार पानी ब्लू कितना सही लग रहा है, ये देखो क्या व्यू आ रहा है यार, पीछे पानी ऊपर ये। स्क्रीनशॉट तो ले लिया मैंने, मैं नहीं छोड़ता स्क्रीनशॉट। मालगाड़ी भी क्रॉस कर रही है और ये आगे हमारा आगे स्टेशन आने वाला है। कितने गया ये आ गया, तो यहाँ से हम देखेंगे स्टेशन स्किप दोस्तों हमारी खुद की ही ट्रेन का। यार छाँव में खड़े होते हैं यहाँ पे, बैठने की जगह तो है नहीं ऐसी। 8:06 घंटा देखो कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये कोई भाई हैं भैया, ये बस बैठे थे घर पे, सुबह सुबह टहलने आए थे, 8:00 सुबह की सैर करने आए थे, तो सोचा कि यार स्टेशन पे जाके चक्कर लगाए हूँ, लेकिन स्टेशन था सुनसान, कोई था नहीं स्टेशन पे। तो सोच रहे हैं कि यार क्या करें अभी, जाएँ नहीं जाएँ। संडे वर्ल्ड टूर या नॉर्मल राहुल भाई? अगर वेट्स वर्ल्ड टूर नॉर्मल कर लेते हैं, या तो यार वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ मैं, ख़त्म करनी चाहता हूँ। अरे एकदम से आवाज़ आई ट्रेन की, ओहो स्टेशन स्किप देख गया एक सॉरी वाह। क्या बात है, जबरदस्त स्टेशन स्किप। क्या सही है यार, क्या लगते हैं हमारे कोचेस भी इतने इतने बढ़िया दिखते हैं ना, हमारे कोचेस की पर्सनालिटी भी जबरदस्त है यार। तो डिस्टेंस दोस्तों रह गया अभी 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर के बाद ये पार्ट वन हो जाएगा हमारा ख़त्म। और 23 लाइक हो गए हैं भैया, प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ यार, अगर देखो दोस्तों एक का आपको चीज़ बतानी चाहता हूँ, अगर वर्ल्ड टूर हुआ तो मैं करूँगा एज ऑब्जर्वर ज्वाइन। रीज़न उसका यह है 4 घंटे की फ्लाइट है, मैं कंटिन्यू बैठ नहीं सकता इतनी लंबी लाइव स्ट्रीम में ऑन बैट सिम, आपको रीज़न पता ही है क्या है। तो अब कोई भी फ्लाइट होगी तो मैं एज ऑब्जर्वर ज्वाइन करूँगा, और आप जैसे मर्जी आप कर लेना खेल लेना। अंकित भाई बोल रहे हैं मैं इस रूट में रियल लाइफ में भी ट्रैवल किया है पिपरिया स्टेशन तक फ्रॉम जबलपुर साइड से। अरे वाह कितने रियलिस्टिक सीन लग रहा है। वर्ल्ड टूर ठीक है कृतिक भाई, वर्ल्ड टूर फ्लाइट डेली भाई बोल रहे हैं मेरा MSFS में 5:30 हो गए हैं और आज और वैटसिम पे 142 फ्लाइंग आवर्स। ठीक है जी, चाहे मल्टी करो, वर्ल्ड टूर ख़त्म करते हैं जल्दी। ठीक है कृतिक भाई डन, मैं खुद चाह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका जाने से पहले वर्ल्ड टूर ख़त्म करें यार, अभी 3 फ्लाइट बाकी हैं उसकी। बारिश अभी भी हो रही है यार, लेकिन दोस्तों बाहर का व्यू देखो आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत बढ़िया, क्या सीन है। ये काम करते हैं यार, हमने ड्रोन व्यू देखा नहीं है, ओ क्या व्यू है यार, ड्रोन व्यू देखा नहीं है काफ़ी टाइम से, लेट्स एंजॉय ड्रोन व्यू। डोर्स खुले हुए हैं, हेडलाइट ऑन है 8:00, सूरजमुखी फूल खिले हुए हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में खेत बिल्कुल रेडी है नई फसल के लिए, आकाश में क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, और हमारा Web 7 बढ़िया तरीके से ट्रेन को हॉल कर रहा है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ज़्यादा नीचे हो गया ना,
पहले हम ये भी व्यू देखते थे ना, हमारे दोस्तों कस्टम व्यू भी हैं, आपने तो अभी ज्वाइन किया है, लेकिन जो पुराने व्यूज़ हैं उनको सबको पता है कस्टम व्यूज़, जैसे कि ये बिल्कुल पुल भी आ गया। ओए इतना बेकार लग रहा था यहाँ से पुल ऊपर से। यार ये इसमें बड़ा दिक्कत है यार, एकदम से ऊपर उठा देता है हमको। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा रह गया है 2.76 किलोमीटर्स, और आपको पता ही है कि हमको अराइवल कैसे करना है। थ्रोटल अभी 103 की स्पीड दिखा रहा है, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे पहुँचने का। एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल हमारा 8:13:25 दिखा रहा है, और 50 की स्पीड आ रही है 1 किलोमीटर के बाद। तो थ्रोटल मैं कर रहा हूँ दोस्तों आइडल थोड़ी ही देर में। टोटल आइडल, और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सीधा, और वहाँ से आपको दिखाऊंगा अराइवल। हल्की हल्की ब्रेकिंग शुरू कर दें कि नहीं करें, अभी तो दूर है यार पिपरिया, 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा हमको पिपरिया। फोर्टी ब्रेकिंग कर दिया मैंने स्टार्ट। ओ गाड़ी, एक्सीडेंट। अरे ये क्या हुआ यार, हमने सेव भी नहीं की यार पिछले स्टेशन से। ये हुआ क्या है एकदम से, एक मिनट। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, यार अभी हमारा कितना पड़ा है, सुहागपुर बैठे हैं अभी हम, तो लास्ट वाले जो लैग है वो पूरी की पूरी पड़ी है। यहाँ से हमको निकलना है 7:40 कितने पे, काफ़ी पीछे है, सुहागपुर से भी पीछे हैं हम अभी। 40 पे निकलना है। वर्ल्ड टूर ख़त्म करते हैं जल्दी, इसके बाद फ्लाइट डिली भाई वैटसिन नहीं भाई, अच्छा वैमसिस, अच्छा ओके सॉरी। प्रीतम भाई बोल रहे हैं कृतिक भाई को 77 उड़ाना है ANA वाला, हाँ ऑल निपन उड़ाऊंगा। ठीक है फ्लाइट डिली भाई, आपने ट्राई किया वैमसिस डिस्कॉर्ड में सजेशन में बताया भेजा था? नहीं एक्चुअली मैं ट्राई कर नहीं पाया, क्योंकि आपको पता ही है 2 दिन तो मेरे बाहर ही थे, और बाकी मेरा जब ऑफिस का टाइम होता है तो मैं ऑफिस के टाइम में ऑफलाइन फ्लाई करता हूँ, ज़्यादा मैं कुछ वो दूसरा काम करता नहीं, और मेरी जो दूसरा चैनल है ना उसकी वीडियो भी एडिट वगैरह करनी होती है, तो मेरे को टाइम मिल नहीं पाया। तो भैया यहाँ पे हमारी ट्रेन डिलेल हो गई है, क्योंकि सामने जो गाड़ी जा रही थी उसमें एक्सीडेंट हो गया हमारा, और ये मुझे पता नहीं क्यों हुआ है। अंकित भाई थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। चलो कृतिक भाई मैं ANA 225 में आऊँगा, और कृतिक भाई हैं। इसके बाद आता है प्रीतम भाई बोल रहे हैं पहले राहुल भाई फिर आप फिर मैं, मज़ा आएगा। अंकित भाई बोल रहे हैं इसे कहते हैं ट्रेन से अपने मुंडी को नीचे लटका के देखना, नहीं नहीं बटर तेज आएगा। इसके बाद ठोक दिया। राहिल भाई क्या हालचाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ETS में ट्रक ठोका इधर ट्रेन, लेकिन ये हुआ क्यों, अगली ट्रेन को ठोक दिया पीछे से जो हम सफ़र आगे चल रही थी, लेकिन हुआ क्यों ये। ए रेल सिंह भाई बोल रहे हैं वैसे सिर्फ थोड़ा सा बच्चा था, जर्नी बंद करके बंद करना चाहो तो कर सकते हो, अंकित भाई बोल रहे हैं। फ्लाइट अली भाई सिग्नल मिस तो नहीं हो गया, सिग्नल तो मिस हुआ है, रेड सिग्नल था वहाँ पे, लेकिन मुझे यही लगा कि यार हमारा बिल्कुल लास्ट पड़ाव है, वहाँ पे हमको कोई इंस्ट्रक्शन तो मिली नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। 7:40 यार अभी भी हमारी काफ़ी जर्नी बाकी है। तो दोस्तों या तो फिर एक काम करते हैं, अगला जो सिनेरियो है ना वो छोटा है 90 मिनट का है, तो या तो ये सेक्शन तब पूरा कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है इसको अगली बार पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी फिर हमारा आधा घंटा लगने वाला है, जो कि मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने नीचे बोल रखा है कि इतनी देर में वापस आ रहा हूँ, 10:45 हो गए, 15 मिनट लेट ही हूँ। वैसे टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन ETS 2 1.48 अपडेट वे टू गेट DLCs एनी हेल्प। आपका जो स्ट्रीम है ना स्ट्रीम, वो अपने आप ही आपका अपडेट कर देगा, और जो भी आपको DLC चाहिए वहीं से मिलेगी आपको।
फ्लाई डेली भाई मेरा MSFS और डिस्कॉर्ड पे दूसरा नाम है, फ्लाई डेली नहीं, जो आपका नाम है को एक बार ना वहाँ पे मैसेज करके आप बता देना कि आई एम फ्लाई डेली। तो कृतिक भाई क्या बोलते हो, बाद में करें कि अभी करें? अभी टाइम हो रहा है 7 बज के, अरे यार 8 बजे का हमको वहाँ से डिपार्चर था, काफ़ी लंबा लगेगा टाइम। ओके थैंक्स, स्टीम से आप देखो उसमें आपको अपडेट अपने आप मिल जाएगा, लाइब्रेरी में जाओगे जब BTS आप देखोगे उसमें अपडेट अपने आप लिखा हुआ होगा, उससे आप अपडेट कर लो। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा DLC चाहिए तो वो भी आपको सर्च करनी पड़ेगी स्ट्रीम पे, और सर्च करके बस डाउनलोड कर लीजिए, कुछ करने की और ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 40 तो हो गए हैं, तो क्या करें यार मुझे बताइए आप, ये जो हमारी आधे पौने घंटे की ना ये अगली लाइव स्ट्रीम में एडजस्ट कर सकते हैं हम। फ्राइडे भाई बाद में भी, फैमिली को बोला भी है आपने, चलो ठीक है बाद में कर लेते हैं। वर्ल्ड टूर वाला वेट सिम करना है प्रीतम भाई के लिए तो कर लो आप, OBS एंड मल्टीप्लेयर रखना, मैं नॉर्मल मल्टीप्लेयर और प्रीतम भाई वेट सिम फुल। नहीं मल्टीप्लेयर तो कर नहीं पाएंगे ना फिर, क्योंकि मल्टीप्लेयर तो मैं ऑफ कर दूंगा, आप तो दिखोगे नहीं उसमें। नेक्स्ट में कंटिन्यू, ठीक है जी। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, आज हमारे लाइव स्ट्रीम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन अंकित भाई यार वो हुआ क्यों है, एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था, वो गलत हो गया उसका, चलो पता नहीं है आगे, अगली बार जब करेंगे ना इसको पूरा तब देखते हैं क्या रहता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीम को करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और जो टाइम दिया हुआ है आपको पता ही है फिर डांट पड़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ लाइक कर देना हमारी आज की लाइव स्ट्रीम को अगर आपको अच्छी लगी है, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि भाइयों, ध्यान रख लीजिए अपना। और हाँ कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, हम मिलेंगे परसों। ITIG भाई OBS आप बस रहोगे तो आप मल्टी ऑन रख सकते हो, ये लिखा है मेरे ख्याल से। ओके कृतिक भाई, कृतिक भाई जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लेयर तो ऑफ रखना पड़ेगा बिकॉज वो ग्लिच करेगा वेट सिम के साथ, नहीं तो आप दिख नहीं पाओगे। वेट सिम में आप फ्लाई कर लेना ना ऑब्जर्वर में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्वर ऑन कर रखो और अप्लाई कर लो। आप मेरे को देख नहीं यार, हाँ मैं आपको देख नहीं पाऊँगा फिर। चलो देखते हैं संडे को देखते हैं क्या रहता है। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, बाय बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू। चलो फुल मल्टी में प्रीतम भाई ज्वाइन नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि मैं आई कांट ज्वाइन। तो संडे को देखते हैं क्या रहता है, बात कर लेंगे जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा। तो बाय भाइयों, मिलते हैं परसों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।